सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखनी होती है, ताकि किसी भी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो क्लाइंट है, वो आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल्स क्या हो सकते हैं नॉर्मली। मतलब जब एक VA किसी स्टोर हैंडलिंग की तरफ जाता है, तो इवेंचुअली आपकी क्या अर्निंग पोटेंशियल्स आ सकते हैं इसमें? अगर हम जी इन दिस बिजनेस मॉडल वी हैव ऑलरेडी सेट गोल्स, हमने कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं, $250 पर मंथ फॉर 3-4 आवर्स डेली फॉर अ क्लाइंट एज अ VA। ठीक है, इसको थोड़ा मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे शेयर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इस बिजनेस मॉडल में हमने क्या चीज एक माइंड सेट में बना लिया, हमने यहाँ पे एक गोल सेट कर लिया है कि $250 पर मंथ फॉर योर 3-4 आवर्स डेली फॉर योर क्लाइंट एज अ VA। आप $250 डेली टास्क का फॉर अ क्लाइंट, अगर कोई आपको फुल VA हायर कर रहा है, ये इस चीज के लिए कि आपने हैंडलिंग ऑर्डर्स, हैंडलिंग रिटर्न्स, रिफंड्स, प्रोसेसिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें आपने उसको वर्चुअली डेली बेसिस पे करके देनी है। डेली आप उसके अकाउंट को 3-4 आवर्स अगर आप डील कर रहे हैं, आप उसकी तमाम ये काम को करके दे रहे हैं, तो नॉर्मली आप $250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कोई अगर आपको VA हायर करता है। बट इट इज द लीस्ट लिमिट, आई एम टेलिंग यू, इट इज द लीस्ट लिमिट। वी डू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट बैचेस जिन्होंने नॉर्मली मार्केट में $700 के क्लाइंट्स भी एज अ VA उन्होंने ग्रैब किए हैं। ठीक है, तो दिस इज द लीस्ट लिमिट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अच्छा 3-4 आवर्स अगर आपने डेली उस क्लाइंट के लिए काम किया, तो $250 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, और $400 पर मंथ एज अ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर। ठीक है, अगर आपके पास जस्ट VA की स्किल है और आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग का नहीं पता और आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग भी आती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मार्केट में नॉर्मली एटलीस्ट $400 पर मंथ एज अ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर मार्केट से अर्न कर सकता है। ठीक है, और $500 पर मंथ फॉर योर सीनियर रिसोर्स विद अ VA प्लस PM प्लस हाइपर लॉन्च एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आपके पास हाइपर लॉन्च एक्सपीरियंस है, या फिर आपको पता है कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग किस तरह से की जाती है, कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किसी की लॉन्च में आप साथ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो उस टाइम पे क्लियर होती हैं। तो क्लाइंट्स मोस्टली अगर आपको आपकी लॉन्च बेसिस पे अगर हायर करेंगे, तो नॉर्मली आपको मार्केट में $500 मिनिमम जो है वो ऑफर करते हैं विद योर 3 सर्विसेज ऑफ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर प्लस लॉन्च एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो एक नॉर्मल बंदा अराउंड दिन में 12 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, 12 से 14 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम 12-14 घंटे के हिसाब से देखें, तो अगर आप 3-4 आवर्स डेली अगर एक क्लाइंट को ग्रैब करके, हम लीस्ट फिगर्स पे जाते हैं जी, हम ज्यादा बड़ी फिगर्स पे नहीं जाते, हम कहते हैं कि लेट्स से इन दिस बिजनेस मॉडल यू मे गेट 2 to 3 क्लाइंट्स एंड पोटेंशियली पुश योर इनकम टू $400 ऑल वे टू $1,200 अ मंथ डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर लाइफ यू आर विलिंग टू सेल। ठीक है, इस चीज में आप देखें कि अगर आप $400 पर मंथ वाले आप अगर 3 क्लाइंट्स भी ग्रैब करते हैं, तो इवेंचुअली आप मार्केट में देखें आप $1,200 पर मंथ आप डे टू डे टास्क से आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और बहुत नॉमिनल फिगर मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो VAs हैं वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं बिजनेस मॉडल से। ठीक है, इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में लीस्ट फिगर में भी जाके देखें, तो इट्स अराउंड 1,80,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये काफी हैंडसम अमाउंट है। अगर हम इस बिजनेस मॉडल में 2-3 क्लाइंट्स हम इवेंचुअली अगर ग्रैब कर लेते हैं, तो आपकी पोटेंशियल इनकम जो है वो $1,200 पर मंथ तक सेट हो सकती है। ठीक है, द बेस्ट पार्ट इन दिस बिजनेस मॉडल इज दैट यू विल गेट प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स विलिंग टू गिव यू फ्री इक्विटी ऑन देयर बिजनेस। ठीक है,
इस पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको इक्विटी शेयरिंग देंगे। इक्विटी शेयरिंग है इसके आप प्रॉफिट की परसेंटेज का पार्ट लेंगे। मतलब अब नॉर्मली अगर एक क्लाइंट है वो आपको हायर कर रहा है $250 पर मंथ के लिए, लेकिन वो साथ में आपको ये कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट्स अगर मेरे इंक्रीज करते हैं तो आप मेरे प्रॉफिट का 30% शेयर एज अ वीए ले। फिर 30% गेन करने के लिए आप उस क्लाइंट के अकाउंट पे ज्यादा काम करेंगे ताकि आप उसके 30% का मैक्सिमम शेयर ले सकें। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से वीएस ऐसे भी हैं जी के जिनके पास $1 मिलियन क्लाइंट है। ठीक है, जिनकी मंथली इनकम $1 मिलियन है। ठीक है, $1 मिलियन पे अगर वो 10% की इक्विटी भी लेते हैं तो इट्स अ ह्यूज फिगर कि आप जस्ट एज अ वीए किसी $1 मिलियन सेलर के वीए बन के आप एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयरिंग जो है बेसिकली वो ये है कि कोई भी क्लाइंट जब आपको हायर करता है तो वो आपके साथ प्रॉफिट परसेंटेज शेयरिंग कर देता है कि जी आप इतनी सैलरी लें और इतनी परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग लें। बेसिकली जो आपकी इस बिजनेस मॉडल में अगर हम बात करें, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं इसमें, जो आपके पास दिस इज वेयर यू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन गुडविल एंड एसेट एज वेल। ठीक है, अब इस बिजनेस मॉडल में जी होता क्या है कि आप एक अच्छी अमाउंट की तरफ जा सकते हैं, एक अच्छी गुडविल की तरफ जा सकते हैं और एक एसेट बिल्डिंग की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली $1,200-$1,500 तो नॉर्मली एक किचन रोटेशन है। ठीक है, एक किचन इनकम है, लेकिन अगर आप एक पोटेंशियल इनकम की अगर बात करते हैं या फिर आप एक एसेट बिल्डिंग की तरफ अगर हैं तो वो नॉर्मली आपको इक्विटी शेयरिंग से मिल रही होती है। ठीक है, इक्विटी शेयरिंग क्लियर है सबको कि इक्विटी शेयरिंग इज कि आपको वो अपने प्रॉफिट का परसेंटेज ऑफर कर रहा है। लेट्स से अगर एक सेलर है वो लेट्स से $30,000 का मंथली रेवेन्यू आप उसको जनरेट करके दे रहे हैं और वो लेट्स से 25% पे काम कर रहा है। ठीक है, 25% प्रॉफिट पे काम कर रहा है तो उसे अराउंड $7,500 अ मंथ उसे मिल रहे हैं। अब इसमें से अगर हम आप आपने अगर लेट्स से इसकी 30% के ऊपर आपने इक्विटी शेयरिंग की हुई है तो एडिशनल आप सॉरी 750 अगर आप इसके प्रॉफिट शेयरिंग में अगर आप आ रहे हैं तो 750 पे अगर आपको $7,500 पे अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग उसने ऑफर की हुई है जी 30%, तो $2,250 इन अ मंथ आपको इक्विटी शेयरिंग से आ रहे हैं। ठीक है, $2,250 इन अ मंथ एक अच्छी खासी फिगर है। ठीक है, जो पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी अर्न नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इक्विटी शेयरिंग पे मिल रही है। ठीक है, बहुत से नंबर ऑफ द क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 25-30% इक्विटी शेयर कर देते हैं। कहते हैं कि यार आप काम करो, प्रॉफिट को इंक्रीज करो और 30% शेयर प्रॉफिट में से आपका। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। तो इस तरह से आप जो है एक ह्यूज पोटेंशियल इनकम की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको डायरेक्टली 50-50% शेयरिंग दे देंगे कि जी यू जस्ट डू द वर्क, आप वर्क पे फोकस करो, आपको स्किल पता है, आपको तमाम चीजें पता है, आपके पास नॉलेज है, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, इस चीज से आप प्रॉफिट चेंज करके लाओ। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द फाइनेंस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द अकाउंट्स, जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं इन्वेस्टमेंट
क्योंकि अकाउंट मेरा होगा, जस्ट वीए फोकस ऑन द वर्क एंड डू द टास्क, और इस चीज को आप अचीव करो कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स पे जाओ ताकि मैं आपको इक्विटी शेयरिंग ऑफर कर सकूं, ठीक है। तो इवेंचुअली आपने तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जी, आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि स्टार्टिंग में आपने सैलरी बेस्ड काम करना होता है। जब आप 1-2 मंथ्स आप किसी क्लाइंट के लिए कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, उसको अकाउंट से आप बिल्कुल स्क्रैप से लेके चल रहे हैं, तो आपने नॉर्मली उसके साथ जो डीलिंग करनी होती है वो यही होती है कि आपको नॉर्मली वो 300-400-500 डॉलर्स पर मंथ की सैलरी ऑफर करते हैं, ताकि जब तक आप उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना रहे तो तब तक आप इक्विटी शेयरिंग नहीं लेते, ठीक है। वंस आप उसके साथ डिसाइड कर लें कि वंस वी हिट दिस अमाउंट, दिस रेवेन्यू, वी विल गो ऑन अ प्रॉफिट इक्विटी शेयरिंग, ठीक है, कि हम प्रॉफिट के साथ इक्विटी शेयरिंग करेंगे, हम इस चीज पे अपना वो करेंगे। इस तरह से क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहे कि ह्यूज इनकम जनरेट कर सकता है, और आप उसके लिए परसेंटेज के लिए आप इस तरह से काम करते हैं कि फिर आपको काफी सारी अच्छी वाइब्स मिलती हैं और आप इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर मैंने कोट किया ये बहुत नॉमिनल फिगर है, बहुत से लोग बहुत लाइक 18-20 लाख पर मंथ तक भी जाते हैं इस काम में, ठीक है, सर्विसेज से अपने क्लाइंट्स के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इन क्लाइंट्स को आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है, आप इन क्लाइंट्स को यूज कर सकते हैं जी फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस, आप उनको काम करके दे रहे हैं। आप जब आप किसी को बिजनेस अर्न करके दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए आप एक सॉफ्ट एज रखते हैं, ठीक है। तो आप उनसे अगर कोई क्लाइंट आपका US में है, कोई क्लाइंट UK में है, तो आप जाएं आप उनसे टेल देम कि जी यू आर इंटरेस्टेड टू विजिट देयर कंट्रीज, तो आप ये प्रिविलेज भी आप ले सकते हैं। बट आफ्टर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, आफ्टर अ सक्सेसफुल डूइंग बिजनेस, आप उसको एक ऑटोमेटेड पर मंथ कंटिन्यूज आप उसको एक अच्छा बिजनेस एंड करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि ये VA मेरे पास ऑल द टाइम अवेलेबल हो, लॉन्ग टर्म में ये मेरे पास काम करे, मुझे छोड़ के ना जाए। तो फिर रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए क्लाइंट्स मोस्टली अपने VAs को कॉल ओवर भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको कॉल ओवर अगर कोई करता है क्लाइंट, तो आप जस्ट उससे जो कमिटेड टाइम है आपका, जो वीजा टाइम है, आप उसको यूज करें, उसके बाद इन टाइम वापस आ जाए, ठीक है, ताकि आपका पासपोर्ट या ये जो चीजें हैं ये कभी भी किसी खराब पर्पज में ना आए कि जी आप जो है कहीं किसी कंट्री से ड्रॉप आउट होके आ रहे हैं, आप वहां से ब्लैकलिस्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, लेकिन इवेंचुअली ये माइंड में रखें कि आप अगर किसी क्लाइंट को एक सक्सेसफुल बिजनेस अर्न करके देते हैं तो दे डू हैव मेनी सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट कॉर्नर्स इन देयर हार्ट फॉर यू। इसके अलावा बहुत मजीद हैं जो आपको क्लाइंट्स के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज द बिजनेस, आपने उनको बिजनेस अर्न करके देना होता है, ठीक है। तो ये एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, इन दिस बिजनेस मॉडल यू लर्न हाउ टू ऑपरेट अमेज़न एंड ईबे अकाउंट, ठीक है। यू लर्न डे टू डे ऑपरेशंस, आपको ये देखना है कि आपने डे टू डे ऑपरेशंस किस तरह से देखना है, हैंडलिंग क्लाइंट्स, आपने क्लाइंट्स को किस तरह से हैंडल करना है। अब हर क्लाइंट की साइकी डिफरेंट है, हर क्लाइंट एक डिफरेंट चीज डिमांड कर रहा है आपसे, तो किस तरह से आपने उसको सेटिस्फाइड रखना है, किस तरह से वो टोटली रिलाई कर रहा है आप पे, तो आपने उसको किस तरह से रिजल्ट शो करना है, तो ये तमाम चीजें हैंडलिंग क्लाइंट्स में आएंगी, ठीक है। हैंडलिंग ऑर्डर्स, हैंडलिंग रिटर्न्स, रिफंड्स, प्रोसेसिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ योर क्लाइंट, बेसिकली यू कैन सेल योर सेल्फ एंड योर ऑर्स टू योर क्लाइंट्स। आप बेसिकली अपने आप को और अपने घंटों को बेच रहे हैं क्लाइंट्स पे, ठीक है। इन दिस बिजनेस मॉडल वी हैव ऑलरेडी सेट गोल्स, $250 पर मंथ फॉर योर 3-4 आवर्स डेली फॉर योर क्लाइंट एज अ VA, और $400 पर मंथ एज अ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर। अगर आप उसको रिव्यूज भी ला के दे सकते हैं मार्केट से, तो नॉर्मली आप $400 मिनिमम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। $500 पर मंथ फॉर योर सीनियर रिसोर्स विद VA प्लस PM प्लस हाइपर लॉन्च एक्सपीरियंस। इन दिस बिजनेस मॉडल वी मे गेट 2 to 3 clients एंड पोटेंशली पुश योर इनकम टू $400 ऑल वे टू $1,200 a month, depending on how many hours of your life you are willing to sell.
The best part in this business model is that you will get plenty of clients willing to give you free equity of their businesses. This is where you start making money on goodwill and asset as well. अच्छा, अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको ये फिगर्स और ये चीजें जो हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रही होंगी, लेकिन अप्रोच आप लोगों की प्रैक्टिकल होनी चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल कि विद इन अ मंथ आप इस चीज को अचीव कर लेंगे. इट इज अ जर्नी, इट इज द वे टू गेट. आपको ये तमाम चीजें अचीव करने के लिए इट मे गेट टाइम, ठीक है, इस पर टाइम लग सकता है आपको. आपको ये चीजें अचीव करने के लिए पेशेंस के साथ अपने क्लाइंट्स के टाइम, आपकी ये सक्सेस आपको मिल जाती है, ठीक है. मतलब कोई भी स्टूडेंट एक रियलिस्टिक अप्रोच में अगर हो तो विद इन अ मंथ में भी ड्यूरिंग कोर्स और आफ्टर कोर्स वो 1-2 क्लाइंट्स तक ग्रैब कर सकता है. लेकिन इवेंचुअली मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग एक ही माह में आप 4-4 5-5 क्लाइंट्स आप लेके आ जाएंगे, ठीक है. ये मतलब इवेंचुअली पॉसिबल नहीं होता. आपको टाइम लगता है ये चीजें अचीव करने में, ठीक है. मतलब स्टार्टिंग में आपको अगर पर मंथ का $250 का क्लाइंट मिल गया है तो आप उसकी एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो विद टाइम आपको शायद एक साथ क्लाइंट और मिल जाए. अब वो क्लाइंट आपसे किसी चीज के लिए कोई फ्रीलांसिंग करवा रहा है या कोई अपनी सर्विस करवा रहा है तो वो एक डिफरेंट टास्क है, ठीक है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप मार्केट में फ्रीलांसिंग सर्विसेज सेल कर सकते हैं. इवन आप पाकिस्तान की मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें, प्रोडक्ट रिसर्च की बात करें, कि जी देयर आर नंबर ऑफ द क्लाइंट्स हु ऑलवेज नीड अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया. वो क्राइटेरिया क्या है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए. अगर आप उस तरह का कोई प्रोडक्ट उनको मार्केट से फाइंड करके देते हैं तो नॉर्मली यू गेट $200 to $400 पर प्रोडक्ट, ठीक है. पर प्रोडक्ट रिसर्च आप इतना उनसे डिमांड करते हैं, ठीक है. उसके अलावा अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जी कि जिसको नहीं पता कि अब उसने यूके में सेल करना है, यूएस में सेल करना है, एफपीए कराना है उसने प्रोडक्ट, और वो किस तरह से चाइना से सोर्सिंग करके देंगे आप उसको, किस तरह से आपने जो आपके सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ आपने क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से फिर आपने फ्रेट फॉरवर्डर्स हायर करने हैं ऑनलाइन वे में, आपने ये तमाम चीजें सीखनी होती हैं. तो आप ये भी सर्विस अगर मार्केट में अपने क्लाइंट्स को देते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो ये आपकी अलग से भी आपकी एक इनकम सोर्स बन रही है, ठीक है. मतलब सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको कोई क्लाइंट A to Z हैंडलिंग देगा तभी आप अर्निंग कर सकते हैं. यू कैन डू फ्रीलांसिंग ऑन इट. आप इस पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. आपको काफी सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, स्पेशली अगर हम अपवर्क्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे. तो आप उन पे अप्लाई करके आप अपने क्लाइंट के साथ डील करके उनको अपने नॉलेज से जब आप सेटिस्फाई करते हैं तो वो मोस्टली आपको फिर अपनी टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है. तो नॉर्मली ये तमाम चीजें हैं जी के जो आप एक ओवरव्यू में देख सकते हैं कि एक VA क्या है, कहाँ से वो काम करता है और कहाँ से वो बैठ के काम करता है, नॉर्मली किस तरह से ऑपरेट कर रहा होता है, क्या क्या उसके टास्क है जी एज एन अमेज़न VA. फिर एज एन अमेज़न VA आपकी पोटेंशियल इनकम क्या हो सकती है. आप अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो बहुत से लोग डायरेक्टली एज अ VA काम नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रीलांसर भी काम करते हैं इन तमाम चीजों पे, ठीक है. कि किस तरह से आपने A to Z सर्विसेज देनी है. अब किसी क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए, ही डोंट नीड के जी ही डजंट नीड के मुझे अभी A to Z अपना अकाउंट डील करवाना है. तो ये तमाम चीजें होती हैं जी बेसिकली आपके पास पोटेंशियल अर्निंग के लिए. और अगर आप इस पे फुल एफर्ट्स पुट करते हैं तो आप एक ह्यूज इनकम की तरफ इवेंचुअली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है. टाइम लगता है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, बट इट इज पॉसिबल और ये अचीवेबल है, ठीक है. ये कोई ऐसे फिगर्स नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ कि आपको अचीव करने में 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे. ये इट इज द मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली लेके चल रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मार्केट में आप उसकी सर्विसेज ऑफर करनी शुरू कर रहे हैं, तो इवेंचुअली विद इन फ्यू मंथ्स आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, ठीक
ठीक है। और जैसे आप इन चीजों को देखते हैं तो विद टाइम आपके लिए और भी काफी सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं, वो चीजें आसान होनी शुरू हो जाती हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, टीम ग्रो होनी शुरू हो जाती है। एज अ माइक्रो एजेंसी जब आप फिर काम करते हैं तो बहुत से लोग एजेंसीज प्रेफर करते हैं डायरेक्टली एज अ VA के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो फिर जब आप एज अ लाइक माइंडेड पीपल आप में से मिलके, जिस तरह से आप हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है जी जिनकी पिकिंग पावर अच्छी है, या फिर जो वो क्लास में पढ़ रहे हैं उसको वो इतने अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, जितने अच्छे से समझ रहे हैं कि वो तमाम चीजें जो है वो मार्केट में किसी को परफॉर्म करके भी दे सकते हैं। तो लाइक पीपल जब मिलते हैं क्लास में तो वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग डजंट मीन कि अब आप एक अलग से दो दो बंदे अलग से सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं, लाइकली के ग्रुप डिस्कशन जो होगी क्लास की या जो भी चीजें हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि जी इस बंदे के पास कितना पोटेंशियल है, कितनी स्किल है, कितनी चीजें वो समझ रहा है, ठीक है। तो फिर लाइक माइंडेड पीपल ज्वाइन होकर अपनी एक माइक्रो एजेंसी के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट बैच था जी उनकी एक एजेंसी है मार्केट में, काफी रिनोन्ड है, प्रोग्रेसिव और अच्छे खास से क्लाइंट्स डेली बेसिस पे वो डील कर रहे हैं, और इवन उन्होंने बैच टू के भी काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने पास हायर किया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सेट द गोल टू डू आर्ट ऑफ डेलीगेशन। आपको ये पता चलता है कि फिर किस तरह से आपने काम करवाना है लोगों से, ठीक है। आपके साथ जो आपके टीम मेंबर्स ऐड होते हैं आपने लीड किस तरह से करना है, ठीक है। अब एक बंदा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये स्किल है कि वो क्लाइंट डील कर सकता है, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके पास अच्छी निगोशिएटिंग स्किल्स हैं, तो वो अपने क्लाइंट्स के साथ डीलिंग रखेगा। एज एन एजेंसी अगर हम बात करें, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर आप टीम अप होके काम करते हैं तो आपके पास वर्क बर्डन कम होता है और आपके पास अर्निंग पोटेंशियल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा है वो क्लाइंट डीलिंग में बहुत अच्छा है तो इन इन एन एजेंसी अगर वो सिर्फ एज ए क्लाइंट डीलिंग देख रहा है, वो क्लाइंट से काम ग्रैब कर रहा है। अब एक बंदा ऐसा है जो प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत अच्छा है, उसको बाकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं आती या फिर उन पे उसकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करेगा अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय द क्लाइंट। अब दूसरा जो बंदा है वो सोर्सिंग में बहुत अच्छा है, उसको मैन्युफैक्चरर्स से, लॉजिस्टिक सर्विसेज से या फ्रेट फॉरवर्डर्स से, कंसोलिडेटेड कंपनीज से काम करने में ईज फील होती है या उसको इजीली ये वो टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो वो उनके लिए काफी बेनिफिशियरी टीम मेंबर होता है, वो उनको सोर्सिंग करके दे रहा है। तो मतलब हर बंदे ने एक एक टास्क संभाला है और आप A to Z सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती हैं जी क्लाइंट के एंड पे कि आप उसको किस तरह से आप डील कर रहे हैं, उसकी तमाम सर्विसेज किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो इवेंचुअली आपने जो अपने माइंड में चीज रखनी है वो ये रखनी है कि स्टार्टिंग में आपकी तमाम चीजें खुद परफॉर्म करें, आपको A to Z सर्विसेज खुद से पता हो, ठीक है। फिर लेटर ऑन आपने जिस चीज पे जाना है वो ये कि आपने अपनी टीम अप करने हैं लोग, टीम अप करने के बाद आपने आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखना है। आर्ट आप किसी से काम तभी ले सकते हैं जब आपको खुद काम आता है। आपको पता है कि जी अब एक बंदा पूरा दिन बैठ के अगर कॉन्टेंट राइटिंग कर रहा है या फिर अगर वो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा है तो आप उसको जस्ट इन वन स्टेप आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो इस टाइम किस स्टेज पे है और वो कितना इफेक्टिवली ये काम कर रहा है, ठीक है। तो लेटर ऑन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस रखें कि वो एज एन एजेंसी, एज अ कंपनी फिर सर्विसेज ऑफर करनी शुरू करें, एज अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वो रजिस्टर हो और अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑफर करें एज अ टीम, ठीक है। ताकि आपके ऊपर वर्क बर्डन भी कम हो, फिर आप अगर यहाँ पे दो तीन क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, जब आपके पास वर्क शेयर्ड हो जाएगा तो आप फिर 10-15 क्लाइंट्स भी डील कर सकते हैं एज अ टीम, ठीक है। तो वो वर्क बर्डन भी कम हो जाता है और आप इन चीजों को में लेके चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट VA जी, क्लास जिन के VA से रिलेटेड या जो भी हमने टॉपिक में कवर किए हैं चीजें, इस चीज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आया तो प्लीज आप हैंड रेज करें वन बाय वन। जी हसनैन शहजाद जी, जी, वालेकुम सलाम। उसमें एक हमने ओवरव्यू देखा है कि ऑब्जेक्टिव वर्किंग एज एन अमेज़न VA क्या है, ठीक है। फिर नॉर्मली
मतलब वीए हमने ओवरऑल देखा है कि कोई भी बिजनेस है उसमें वीए क्यों रिक्वायर हो रहे हैं, क्योंकि तमाम सिस्टम हमारा इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हमारे तमाम बिजनेसेस जितने भी हैं वो इवेंचुअली मार्केट से बिजनेस आ रहा है आपके इंटरनेट पे, ठीक है। तो जितने भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू कंपनीज होती हैं, तो वो एक फिजिकल पर्सन हायर करने का मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही होती। तो वो वर्चुअली अब जर्मनी से बैठ के कोई बंदा आपको पाकिस्तान में हायर कर रहा है, अब आपको उसने कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देनी, कोई आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट नहीं देनी, उसने आपको डायरेक्टली आपकी वर्क बेसिस पे आपको उसने डायरेक्टली ऑफर कर दिया $200 $300 पर मंथ, ठीक है, जो कि वहां के लोगों के हिसाब से कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे हमारे लिए वो वर्थ करता है, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन में हमें उस पे काफी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो उसके अलावा आपकी क्या हार्ड एंड फास्ट डिग्री रिक्वायरमेंट्स हैं, डिग्री रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं, अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो क्लाइंट्स ज्यादा किस तरह के लोगों को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीजें हमने डिस्कस की। और क्या अमेजोन वीए क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से उसकी पोटेंशियल इनकम जा सकती है, वो चीज हमने इन स्लाइड्स में डिस्कस की थी। अजी फरहा सबूर अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अभी आपने जितना भी डिस्कस किया इसमें वीए और जो फ्रीलांसर है ये डिफरेंट टर्म्स हैं, या वीए को फ्रीलांसर के ही टर्म में लिया जाता है? मतलब जैसे बिजनेसेस हैं वहां पे अभी तक मैंने वीए की पोस्ट के बारे में नहीं सुना था, मैंने फ्रीलांसर्स जो है वो काम करते देखे थे कंपनीज के साथ और डिफरेंट बिजनेसेस के साथ। तो ये जरा थोड़ा बता दें कि इनमें डिफरेंस है या वीए और फ्रीलांसर एक ही टर्म में यूज किया जाता है? जी, बेसिकली फ्रीलांसिंग जो है वो शॉर्ट टर्म आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप किसी क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रोडक्ट रिसर्च करवानी है, ठीक है, तो वो आपको ऐसा फ्रीलांसर हायर करेगा फिर, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वो इतना टास्क दे रहा है कि आपने उसके स्टोर के लिए एक प्रोडक्ट रिसर्च करके देनी है, ठीक है। बट मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं अमेजोन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं, वो आपको ए टू जेड हैंडलिंग डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके पास वीएस जो उनकी रिक्वायरमेंट में आ रहे होते हैं, उनके पास उनको जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि ए टू जेड डेली बेसिस के टास्क, आपने ऑर्डर मैनेजमेंट देखनी है, आपने रिटर्न्स देखने हैं, रिफंड्स देखने हैं, आपने वो तमाम चीजें ओवरऑल जो एक स्टोर में आपको डैशबोर्ड में मिल रही होती है वो आपने डेली परफॉर्म करनी होती है। उसके अलावा जो आप बुक कीपिंग करके दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो ये एज अ वीए सर्विस जो होती है ये ए टू जेड आपके अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। आप उसको डे टू डे टास्क डेली बेसिस के लिए, उसकी अकाउंट हैंडलिंग के लिए, उसकी प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो वो आप एज अ वीए हायर हो रहे हैं। और अगर आप किसी फ्रीलांसिंग साइट से, फाइवर अपवर्क फ्रीलांसर से अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अगर गेन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो आप ये लर्निंग करते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप इसकी फ्रीलांसिंग नहीं करते, आप क्लाइंट के काम के साथ साथ भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप तमाम जितनी भी स्किल्स लर्न करेंगे उनकी आप फ्रीलांसिंग भी ऑफर कर सकते हैं मार्केट में। तो मतलब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप एक कंप्लीट स्टोर भी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट स्टोर हैंडलिंग आपकी मंथली चलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट आपको कहेगा कि 2 दिन मेरा अकाउंट मैनेज कर लो, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट जो है आपकी वो मंथली बेसिस पे चल रही होगी, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके टाइम बेसिस पे चल रहे होंगे, जैसे कि आपने 10 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो उस बिहाफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वीए की सर्विसेज ए टू जेड है, फ्रीलांसिंग की सर्विस ए बी सी वो सेपरेट स्लॉट्स हैं। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी सना अफसल अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि एज अ वीए अमेज़न पे अप्लाई करने के लिए या किसी भी अकाउंट क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करने के लिए भी आप इसमें हमें बताएंगे कि कैसे हम एज अ वीए अप्लाई करेंगे? जी मोस्टली बिल्कुल आपकी जो फ्रीलांसिंग साइट्स हैं यहीं से आपको वीए के टास्क और वीए के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। फाइवर से, अपवर्क से बहुत से क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको वीएज रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लिंक्डइन, फेसबुक, यहाँ से भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो ग्रैब कर सकते हैं।
ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग के किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है अपने फ्रीलांसिंग साइट्स पे, क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है, जिस बेसिस पे क्लाइंट्स आपको विजिबल होंगे, आप क्लाइंट्स को विजिबल होंगे, और आप किस तो तरह से जी ऑब्वियसली जी ठीक है, थैंक यू, वेलकम जी. इरफान खान. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा मैंने ये पूछना था कि मैंने रात को ना काफी वीडियोस देखी थी अबाउट ई कॉमर्स और अमेज़न के मतलब लिखना, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे कोई भी कंपनी आप एस्टेब्लिश करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसकी एक रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग के बिहार पे आपने कोई फ्रंट पेज पे आना होता है, तो लाइक ऐसे ही वीए के लिए भी कोई रैंकिंग है या उसको भी फर्स्ट पेज पे आने के लिए कोई काम या रैंकिंग बढ़ाने की जरूरत है? जी ऑब्वियसली आप जब फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोफाइल की एक रेटिंग चल रही है, आपकी एक रैंकिंग चल रही है, ठीक है, उसमें भी आपके एसईओज मैटर कर रहे होते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल पे कोई टास्क अगर परफॉर्म करने का कह रहे हैं, ठीक है, तो उस पे आप क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं. इफ यू आर टारगेटिंग द क्लाइंट्स फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च, अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट फाइंडिंग के लिए किसी क्लाइंट्स को आप ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप वो टर्मिनोलॉजीज, आप प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे, आप मतलब पहले ट्रैकिंग देखते हैं कि जी इस मार्केट में सबसे ज्यादा रिसर्च किस चीज की हो रही है, ठीक है, ये तमाम डेटा आपको मिल जाता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्रोफाइल है उस पर टाइटल ऐड करते हैं, फिर जो आपके रिव्यूज हैं वो मैटर करते हैं, जो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उन्होंने आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या कमेंट्स किए हैं, क्या रिव्यूज दिए हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी फ्रीलांसिंग साइट्स पे ये आपकी बेसिकली रैंकिंग जो है मैटर करती है. ऑब्वियसली जो हाईली रैंक्ड प्रोफाइल्स होती हैं हर कोई उनको अप्रोच करता है, ठीक है, एज अ गुड प्रोडक्ट अगर हम बींग बायर भी अगर हम बात करते हैं तो मार्केट प्लेस वो होती है कि जहाँ पे नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, इसी तरह से फ्रीलांसिंग साइट्स भी एज अ मार्केट प्लेस काम कर रही हैं कि वहां पे आपको नंबर ऑफ द फ्रीलांसर्स मिल रहे हैं, तो अब वहां पे ये चीज मेंशन होगी कि आपकी प्रोफाइल रेटिंग क्या कह रही है, मार्केट में आप मतलब कितने बेहतर रिव्यूज के साथ चल रहे हैं, आपकी रैंकिंग मार्केट में क्या है, उस बिहाफ पे आपको उतने क्लाइंट्स मिल रहे होंगे, ऑब्वियसली आपकी जो फ्रीलांसिंग की आपकी प्रोफाइल है ये मैटर करती है. अच्छा एक और चीज मैंने पूछनी थी, लाइक वीएम स्टार्ट करते हैं काम करना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्रोडक्ट हंटिंग हो गया और ये प्राइवेट लेबलिंग हो गया, इसके अंदर भी जो रैंकिंग है वो डे बाय डे बढ़ती है, हर काम में हर फील्ड में हम काम करेंगे तो उसके लिहाज से हमें एक्सपीरियंस होगा? नहीं ये तो कंप्लीट देखें इसमें कंप्लीट आपकी ए टू जेड लर्निंग है इस कोर्स में, ठीक है, अब उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जी जिनको सोर्सिंग का काम अच्छा लग जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नीश पे काम करना शुरू हो जाते हैं कि जी दुनिया में किसी की भी कहीं पे भी सोर्सिंग है तो आई कैन मैनेज, मैं पाकिस्तान से अपने घर से बैठ के आपको चाइना से प्रोडक्ट उठा के आपको पाकिस्तान में दिलवा सकता हूँ, मैं चाइना से प्रोडक्ट उठा के विदाउट कॉन्टेक्टिंग विदाउट कॉलिंग टू एनीवन, हम इंटरनेट पे ये तमाम चीजें अलीबाबा के थ्रू देखते हैं, फिर अगर हमने लॉजिस्टिक्स करवानी है डिफरेंट चीजें जो है वो फिर टाइम ओपन होंगी, लेकिन ये है कि आप फिर अपनी एक स्पेसिफिक नीश पे टारगेट करना शुरू कर देते हैं, अगर एक बंदा है जिसका टोटल इस चीज पे ग्रैप हो जाता है कि जी अब मैं ए टू जेड आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, या कोई आपको ये ऑफर करता है कि मैं आपको प्रोडक्ट रैंकिंग करके दूंगा, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नीशेज होती हैं. मैं अब ज्यादा जिस चीज पे काम करता हूँ मैं बेसिकली टारगेट करता हूँ प्रोडक्ट रैंकिंग, ठीक है, मेरे पास जितने भी मतलब लोग होते हैं जो कंपनीज हैं मेरे साथ जो डायरेक्टली काम कर रही हैं, मैं उनको प्रोडक्ट रैंकिंग करके देता हूँ, ठीक है, विद इन द मार्केट प्लेस विद इन अमेज़न उनकी प्रोडक्ट फिफ्थ पेज से फर्स्ट पेज पे लाना, नॉर्मली मैं ये टास्क ज्यादा परफॉर्म करता हूँ क्लाइंट्स के लिए, तो इस तरह से आप फिर अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपनी नीश को टारगेट करके उसको मार्केट में सेल करते हैं. अपनी कोई प्रोडक्ट अगर हमने लॉन्च करनी हो, मींस के फर्ज करें जिस तरह कहा जाता है कि हमारे वेयर हाउस से सामान उठा के हम वेयर हाउस में डालना है, तो वो क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, हम इसे डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन नेक्स्ट क्लासेस में. नॉर्मली जो क्राइटेरिया है हमें ये देखना है कि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्राइटेरिया का कि हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, ठीक है, एवरग्रीन प्रोडक्ट मीन्स कि वो किसी ओकेजन या किसी सीजन से रिलेटेड उस पर कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है, मतलब ऑल द टाइम उसकी डिमांड मार्केट में रहे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एवरग्रीन प्रोडक्ट देखना होता है, ठीक है,
अब ये ना हो कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे माइंड में सिर्फ ये है कि जी पाकिस्तान का लेदर बड़ा अच्छा है, चलो लेदर जैकेट्स उठा के सेल करते हैं। अब लेदर जैकेट्स तो आपका एक सीजनल प्रोडक्ट है, फॉर द सिक्स मंथ्स जस्ट विंटर में वो चलेगा, आफ्टर विंटर्स आप उस प्रोडक्ट की देखेंगे सेल्स आपके पास नहीं जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने टारगेट जो करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू में, कि आपने एक एवरग्रीन प्रोडक्ट देखना है, एवरग्रीन प्रोडक्ट के बाद आपने ये देखना है कि आपके अलावा अगर वो प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं किसी मार्केट में। आप अमेजोन की अगर बात करते हैं तो amazon.com मार्केट प्लेस अलग है, इसी तरह से अमेजोन US अलग है, UK अलग है, जर्मनी अलग है, ये तमाम मार्केट प्लेसेस डिफरेंट है अमेजोन की। तो अब उसमें आपके कंपेटिटर्स कितने बैठे हैं, अब उन कंपेटिटर्स के रिव्यूज कितने हैं, उनकी रेटिंग कितनी है, उनकी सेल्स कितनी है, आपका चांस ऑफ सेलिंग उस प्रोडक्ट में कितना है। अगर आप वहां पे एंटर हो रहे हैं तो आपके कंपेटिटर्स कोई बिग रिनोन ब्रांड्स तो नहीं आ रहे कि आपके पास नाइकी कंपेटिटर आ रहा है तो आप तो उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते। Amazon itself आपका कंपेटिटर आ रहा है, आप तो उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इस तरह से एक प्रोडक्ट जो हमारा क्राइटेरिया हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, लेकिन इसमें हमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं कि वो प्रोडक्ट साइज कैसा हो, प्रोडक्ट डायमेंशन कैसी हो, उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 3000 वेरिएशन है, या फिर वो क्लोदिंग से रिलेटेड, या फिर वो इस तरह से तो नहीं है कि जो क्लाइंट मतलब स्पेसिफिक टारगेट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें एक वर्सटाइल सा प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना होता है, इसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट को आपने कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाना है चाइना में, किस तरह से फिर आपने उसको उठा के अमेजोन वेयर हाउस में डायरेक्टली भिजवाना है, आप अपने पास प्रोडक्ट मंगवा भी नहीं रहे, ठीक है। आपने डायरेक्टली चाइना से आपने सोर्स करवा दिया, यूके में आप अगर सेल कर रहे हैं यूके भिजवा दिया, फिर यूके से अब किस तरह से आपने अमेजोन वेयर हाउस में ऐड करवा के उसकी आपने लॉन्चिंग की, लॉन्चिंग के बाद अब आपने उसकी लिस्टिंग की हुई, आपने उसके इमेजेस लगाए हुए हैं, आपने उसका कंटेंट राइट किया हुआ है, फिर आप उसको लॉन्चिंग में लेके जा रहे हैं, फिर आप उसको किस तरह से प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च किया तो आप 7वें 8वें पेज पे थे, किस तरह से आपने उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी रैंकिंग गेन की है, फिर आपको ऑर्गेनिक सेल्स आनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर आपने उसको सस्टेन किस तरह से करना है, तो इट इज़ अ लॉन्ग वे लर्निंग, इंशाल्लाह विद टाइम ये तमाम चीज़ें ओपन होंगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें एज अ VA इस कोर्स में आप लर्न करेंगे। और अगर कोई बंदा जी आई गॉट इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, आई डू हैव अकाउंट्स, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो गुड टू गो। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि आप स्टार्टिंग में काम प्रैक्टिकली सीखें, लोगों को करके दें, एंड इवेंचुअली जब आपके पास इतने रिसोर्सेज आ जाएं कि आप अपना बिजनेस अगर करना चाहें तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बाकी मार्केट प्लेसेज हैं उनको भी इंशाल्लाह हम टच करेंगे लाजमी। तो विद टाइम ये चीज़ें जी आपकी तमाम क्लियर होंगी कि किस तरह से आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से अगर कोई प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीट सर्विसेज में आएंगी आपकी A to Z लर्निंग में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच जी। फरहा सबूर जी, सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना था, आपने अभी एवरग्रीन प्रोडक्ट्स एंड जो है वर्सटाइल प्रोडक्ट आपने कहा है कि उसको ज्यादा आप टारगेट करें, तो सर आप बता सकते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो इनसे रिलेटेड हो जिन पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, अभी से हमारे केन प्रोडक्ट को लेके हम आगे चल सकते हैं, तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा बता दें जी। देखें ये जो टॉपिक्स हैं ये 15-17 डेज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो प्रोडक्ट रिसर्च है। बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर कर रही है, द थिंग मैटर मोस्ट इज योर प्रोडक्ट, द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। आप को मतलब मैं अभी दो लफ्ज में किस तरह से बता दूं कि जी ये प्रोडक्ट बेहतरीन है, ठीक है। हमें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाना पड़ता है, हमें देखना है कि उस प्रोडक्ट की रिसर्चेस कितनी हो रही हैं, कितने लोग आके उसको अमेजोन पे फाइंड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपके जो कंपेटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनकी सेल्स किस तरह से चल रही हैं, उनके रिव्यूज किस तरह से हैं, आप उसको अगर अचीव करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है, इतने बजट में आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो तमाम चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, आपको ये थोड़ा A to Z देखना पड़ेगा, मतलब वेट फॉर दिस के किस तरह से आप प्रोडक्ट रिसर्च को आप डील करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब ये आपके पास टूल्स होते हैं, हमारे पास टूल्स हैं गूगल क्रोम पे, हम अमेजोन पे टूल्स रन करते हैं, हमें टूल रनिंग से पता चल जाता है कि
कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कितनी रिसर्च हो रही है, कितने उस पे सेलर्स आ रहे हैं या कितने कंपेटिटर्स हैं उस प्रोडक्ट में, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एक आध कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके सर, कोई भी नॉर्मल हम प्रोडक्ट देख लेते हैं जी, amazon.com पे हम देख लेते हैं, ठीक है। amazon.com US मार्केट प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर दिस थिंग कि जब भी आपने amazon पे आना है तो आपने यहाँ पे आपकी आईपी पाकिस्तान की आ रही होगी, तो डिलीवर्ड टू पाकिस्तान आ रहा होगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यूएस का कोई पोस्ट कोड ऐड करना है, ठीक है। 1001 न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड है, पोस्टल कोड। तो यहाँ से फिर आपके पास तमाम मार्केट ओपन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ डिलीवर टू पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में डिलीवर हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स विजिबल होंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है कि आपने जब भी amazon.com पे आना है तो आपने हर कंट्री के स्पेसिफिक उस सिटी का पोस्ट कोड ऐड करना है। अगर आप amazon.co.uk पे जाएंगे तो आपने यूके के किसी सिटी का पोस्ट कोड ऐड करना है। सिमिलरली amazon.ca पे जाएंगे, amazon.de पे जाएंगे, .fr, .it, .es, .jp, .nl, तो स्पेसिफिक जिस जिस मार्केट प्लेस में आप जाएंगे तो आप उसके स्पेसिफिक सिटी का पोस्ट कोड ऐड करना है, तब वो मार्केट आपके पास क्लियरली ओपन होगी, ठीक है। अब लेट्स से जी हम कोई एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं जी, किसी के माइंड में कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी जनरल प्रोडक्ट कोई बता दें आप। नहीं है, मैं जी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में नहीं, हम ये डिस्कस करेंगे जी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली हम वैसे प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेलिंग हम कर नहीं सकते। अब लेट्स से जी सर हमने क्लोथिंग का कर एक लेते हैं। जी क्लोथिंग भी एक ऐसी नीश है जिस पे मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, रीजन बीइंग के उस पे हर बायर की चॉइस डिफरेंट है, बायर के पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उस पे कि मैं किस चीज को परचेज करूं। अब मुझे लाइट कलर पसंद है, किसी को डार्क कलर पसंद है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें, अगर आप क्लोथिंग में कोई गारमेंट्स का अगर काम कर रहे हैं ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल हो जाता है, रीजन बीइंग कि आपको SKUs मैनेज करने पड़ते हैं। अब आप उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आप 4 SKUs मैनेज कर रहे हैं, मतलब 4 वेरिएशंस आप डील कर रहे हैं। अब जो क्लाइंट्स हैं जिनको वो आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, वो मे बी जस्ट मीडियम साइज के क्लाइंट्स हैं कि जिनको पसंद आ रहा है, तो बाकी यूनिट्स आपके इन स्टॉक रहेंगे, वो सेल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन बिजनेस में हमें वन प्रोडक्ट एवरग्रीन, जो सिंगल प्रोडक्ट है, हम उसकी तरफ टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये योगा मैट है, तो अब आपको जब आपने अमेजोन पे आके सर्च किया योगा मैट, तो पूरे पेज पे आपको योगा मैट नजर आ रहा होगा, ठीक है। कीवर्ड आपने टाइप किया इसका, ठीक है। अब लेट्स से जी अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि ये Helium-10 है हमारे पास। Helium-10 पे हम ये देखते हैं कि जी इस पे Helium-10 एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सरे पे हम इसको देख लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जी, इस पे कितनी रिसर्च है या फिर इस पे कितना आपको रेवेन्यू बन रहा है, कितनी नंबर ऑफ सेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज हम इस पे अभी रिसर्च करके देख लेते हैं कि जस्ट फॉर द ओवरव्यू, कि आपको पता चले कि प्रोडक्ट्स पे जब आप टूल्स रन करते हैं तो आपको किन किन चीजों की नॉलेज मिलती है, आपको क्या क्या चीजें जो है वो शो हो जाती हैं, ठीक है। ये Helium-10 है, इस तरह से मर्चेंट वर्ड्स है, जंगल स्काउट है, कीपा है हमारे पास, ठीक है। तो काफी सारी प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ये मेरे पास प्लगइन्स काफी सारी एडिड हैं, तो जिस बेसिस पे थोड़ा ये स्लो वर्किंग करता है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से इश्यू आए तो आपने अपनी ऑल हिस्ट्री रिमूव करनी है, कुकीज रिमूव करनी है, तो उसमें से ये इशू आपका काफी रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि शेयर टूल्स होते हैं कोई मतलब हम अपने पर्सनल टूल्स परचेज नहीं करते हैं, तो शेयर टूल्स में आपके पास ये इशूज, ये ग्लिचेस काफी सारे आते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग है,
और समटाइम्स हम रिलाय भी हम PTCL के नेट पे कर रहे होते हैं, तो समटाइम नेट्स नेट के इश्यूज और ब्रेकडाउन काफी आता है। तो इस चीज को आपने पेशेंटली मतलब लेके चलना है। अगर किसी तरह से मेरी वजह से मेरे एंड पे कोई इशू है, क्लास ड्रॉप डाउन हो जाती है मेरे एंड से, तो आपकी तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मीटिंग ऑन रहेगी, ठीक है। तो आपने अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है रादर देन के जी तमाम स्टूडेंट्स भी लीव करके चले जाएं, ठीक है। तो आपने एक एनवायरमेंट इस तरह से रखना है क्लास का कि तमाम स्टूडेंट्स एक इफेक्टिव टाइम समझे, ऐसे एक वर्थफुल टाइम हो आपके लिए और आप इससे जितना सीख सकते हैं आप सीखें, ठीक है। अब हम रिसर्च की अगर हम बात करते हैं जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस में हम ये देख रहे हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है और उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट पे FPA हो रहा है या FPM हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद आपको अमेजोन पे जो बेसिक चीजें पता चलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन डिलीवर करेगा या बायर डिलीवर करेगा, ठीक है। अगर तो सोल्ड एंड डिस्पैच बाय स्टोर नेम ऑफ द बायर सेलर आता होगा। सर इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दी, नॉइज आ रहे हैं इसलिए समझ नहीं आया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको दोबारा रिपीट कर दें। नॉर्मली जब भी आप किसी लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो लिस्टिंग आपको बता देती है कि आइदर ये प्रोडक्ट अमेज़न आपको डिलीवर करेगा या ये प्रोडक्ट आपको आपका जो सेलर है वो डायरेक्टली डिलीवर करेगा। देखिए ये लिखा है आपके पास सोल्ड बाय FBA। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब कि बायर ने सॉरी जो सेलर है इस प्रोडक्ट का, उसने ये प्रोडक्ट अब जो सेलर है वो है US सन टू, ये सेलर है। इट इज सोल्ड बाय एंड शिप्स फ्रॉम अमेज़न। इसने ये अपने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में ऐड कर दिए हैं और वहां से इन प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहा है, ठीक है। मतलब पिक पैक शिप रिटर्न्स की जितनी भी हैंडलिंग है इसके बिहाफ पे अमेजोन कर रहा है। लाइक अब जिस तरह से हम पाकिस्तान में बैठे हैं, वी वांट कि हम US में सेल करें, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करवाएंगे अंडर अंडर योर ब्रांड, आप उसको डेवलप करेंगे, इन्वेंटरी अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे। फिर जब अमेजोन आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप कर रहा है, तो उस बेसिस पे आप कहेंगे कि जी इट इज FBA, ठीक है। शिप्स फ्रॉम अमेजोन का मतलब कि ये प्रोडक्ट Amazon की तरफ से शिप होके आएगा आपको, मतलब Amazon ऑफिशियली आपको ये सेंड करेगा प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट Amazon का नहीं है, ये प्रोडक्ट बेसिकली किस सेलर का है, US सन टू, ठीक है। अब आप अगर सेल कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखवा सकते हैं, आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे, अपना स्टोर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉप ऑफ द पेज अगर आप देखें तो ये आपको स्टार्टिंग पे टाइटल मेंशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इस टाइटल में मोस्टली क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, आपके कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट फीचर्स आ रहे होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन की थोड़ी बहुत बातें आ रही होती हैं, ठीक है। अब किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे आपको ब्रांड मेंशन होता है, ठीक है, कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। और जब हम प्राइवेट लेवल की बात करते हैं तो हम भी अंडर ब्रांड डेवलपमेंट अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये इसकी प्राइस मेंशन कर रहा है। इससे नीचे अगर हम देखें तो ये आपको डायमेंशंस और कलर्स वगैरह बता रहा है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अबाउट दिस आइटम देखें तो दीज आर द बुलेट पॉइंट्स, ये इसके 5 बुलेट पॉइंट्स अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, या आपके ये 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस पर भी आप अपनी कीवर्ड इंडेक्सिंग वगैरह करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास काफी सारे एक्सटेंशन ऐड हैं, आपको इस तरह से डायरेक्टली अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये तमाम चीजें नहीं नजर आ रही होंगी, क्योंकि मेरे पास काफी सारे प्लगइन्स ऐड हैं। अच्छा, उसके अलावा रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे होंगे, उसके अलावा जो ब्रांड्स हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप बीइंग बायर पूछ सकते हैं। फिर इस पे ये डिटेल आ रही है जी प्रोडक्ट डिटेल्स में कि ये कब फर्स्ट टाइम अवेलेबल हुआ था। इट वॉज अवेलेबल ऑन मार्च 24, 2021, ठीक है। मतलब कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। अगर हम देखें तो टोटल कुछ दिन हुए हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। कुछ इस पे रिव्यूज अगर हम देखें तो इस पे टोटल 267 रिव्यूज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है।
ये इस पे रिव्यूज हैं, आप रिव्यूज रीड करके देख सकते हैं 5 स्टार कितने हैं, 4 स्टार कितने हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिलता है जब आप किसी प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं ऑन अमेजोन, ठीक है। अभी हम इस पे अगर लेट्स से एक्सरे रन करके देखते हैं, एक्सरे हमें बताएगा जी कि इस प्रोडक्ट की हमें टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन और ये तमाम चीजें जो हैं हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि ये जो सेलर है इसने इस एसिन पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। टॉप इज द ब्रांड, प्राइस इज 19.99, सेल्स जो इसको ओवर मंथ अब तक आई है वो 67 सेल्स आई है, ठीक है। अगर हम इसकी बाकी तमाम डायमेंशन और ये मतलब देखें, अब ये हमारे पास एक न्यू लिस्टिंग है, तो मतलब न्यू लिस्टिंग हमारे पास एक अनस्टेबल लिस्टिंग होती है अंटिल जब तक वो 6 मंथ्स तक अचीव ना कर ले, ठीक है। तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जी ये कोई एक स्टेबल लिस्टिंग है। तो उस बिहाफ पे हमने ये देखा कि जी ये रेवेन्यू बना रही है, 67 सेल्स इसको आई है, टोटल मंथली रेवेन्यू इसका बन रहा है अराउंड 1338 डॉलर्स मंथली रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन ये अभी एक न्यू लिस्टिंग हमने देखी है, हमें कोई और दूसरी लिस्टिंग देखनी पड़ेगी जो कि स्टेबल लिस्टिंग हो, ठीक है, जिसकी जो डेट अवेलेबल है वो काफी टाइम पहले से आ रही हो हमारे पास, ठीक है। तो ये एक न्यू लिस्टिंग है, न्यू लिस्टिंग पे हम डेटा एनालिसिस पे ये जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसमें हमें नहीं पता चलता। लेट्स से कि जी अब एक और ये सेलर है, अगर हम इसकी लिस्टिंग ओपन करके देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी इसके पास 6800 रिव्यूज हैं, ठीक है। 6800 रिव्यूज, काफी सारे रिव्यूज हैं ये, मतलब इसको अगर हम अचीव करने जाएं तो हमें भी 3 साल लग जाएं। तो हम अब इस पे अगर एक्सरे रन करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसकी क्या सेल्स हैं और इसका क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन अ मंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप ओवरऑल आपके पास ये डायरेक्टली प्लगइन्स होते हैं, आप किसी भी पेज पे ओवरऑल अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं, ठीक है। इट इज अर्ली टू डिस्कस कि अगर हम ये चीजें देख लेते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये कंप्लीट आपका डिफरेंट टॉपिक है, आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे से आपको प्रोडक्ट रिसर्च, उसका क्राइटेरिया और वो तमाम चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये देख लें कि कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको ट्रैक करके देख लेते हैं कि उस पे कितनी सेल्स आ रही हैं, कितना उसका मंथली रेवेन्यू बन रहा है और किस तरह से वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अब हम अगर ओवरऑल इस प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो वी हैव नंबर ऑफ सेलर्स विद द हाई रिव्यूज। अब रिव्यूज हमारे लिए एंट्री बैरियर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब हम लेट से किसी प्रोडक्ट पे सेल करना चाह रहे हैं और उस पे रिव्यूज इतने सारे हैं कि हम उस पे अपनी जगह नहीं बना सकते, ठीक है। रीजन बीइंग कि आप रिव्यूज जो है मार्केट में ऑर्गेनिकली आप हार्डली 2 to 4% रिव्यूज जो है मार्केट से ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। अमंग 100 सेल्स आपको 2-4 लोग जो है वो रिव्यूज दे के जाते हैं, तो आपको रिव्यू स्ट्रेटेजी भी काम करना पड़ता है, आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग करवानी पड़ती है प्रोडक्ट की। लेकिन वो आपकी काफी ब्लीडिंग कॉस्ट आती है फिर आपकी, मतलब काफी ज्यादा बजट आपका मार्केट में इस चीज पे स्पेंड होता है कि आप उसकी प्रोडक्ट रैंकिंग गेन करें, ठीक है। रिव्यूज आपको मार्केट में एंट्री बैरियर जो है वो बता रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतने रिव्यूज हैं। अब ये देखें जी, ये एक प्रोडक्ट है और इसकी मंथली सेल्स आप देखें और इसका रेवेन्यू आप देखें, ठीक है। इसका मंथली रेवेन्यू बन रहा है 1,84,000 जस्ट इस सिंगल प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये ब्रांड जो है हेमिंगवे, ये इस प्रोडक्ट पे मंथली रेवेन्यू कितना ले रहा है, 1,84,000 पर मंथ, ठीक है। तो अब ये देखें, ये सेल्स ग्राफ आपको बता रहा है कि जी इसका सेल्स ग्राफ कैसे चल रहा है। लेटर ऑन हम इसमें काफी सारी चीजें इन डेप्थ देखेंगे। और ये कब से अवेलेबल है जी, प्रोडक्ट 2012 से अवेलेबल है, ठीक है। अराउंड 9 ईयर्स इस प्रोडक्ट को हो चुके हैं अमेजोन पे। और ये मंथली कितना रेवेन्यू बना रहा है जी, 1,84,000, ठीक है। और 1,84,000 का अगर हम नॉर्मली अगर कैलकुलेट करके देखें तो नॉर्मली जो अमेजोन FBA सेलर्स होते हैं वो 25% एटलीस्ट मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम भी कोई सेलिंग अगर करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम एटलीस्ट 25% पे सेलिंग करें। तो अब ये जी इसकी क्या फिगर है हमारे पास, 1,84,000
84,000 अराउंड 500 भी हम उसको कंसीडर कर लें, 468 है, ठीक है। तो इसको अगर हम 25% पे अगर हम देखते हैं जी, तो ये नॉर्मली इसका प्रॉफिट हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,84,500 at 25% is 46,125 dollars per month is the expected monthly profit for this seller. ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी फिगर्स में इसको अगर हम एटलीस्ट प्राइस पे भी ले जाएं, 150 पे भी ले जाएं, तो इट इज अराउंड 69,18,750 डॉलर्स पर मंथ विद दिस सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्राइवेट लेबल है, लेकिन अब इसमें इसकी 9 साल की मेहनत है इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये इसने 9 साल में अचीव किया इस प्रोडक्ट को। ये शिपमेंट करवा रहा है, FBA की कैटेगरी है। अब इस पे हम लोग प्रोडक्ट पे आके अगर हम लोग कहें कि जी हम इस पे आके सेलिंग करना चाहते हैं, तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन बीइंग कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी ब्रांड डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कर ली है कि उस प्रोडक्ट की जो एंट्री बैरियर है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। रीजन बीइंग अब ये देखें, इसके पास 18,000 रिव्यूज हैं, 6,000 रिव्यूज हैं, 2200 रिव्यूज हैं, 575 रिव्यूज हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास तो टॉप 10 में कम से कम 2 स्लॉट्स ऐसे हों कि जिनके रिव्यूज लेस देन 150, लेस देन 200 हो, ताकि हम उन रिव्यूज को अचीव करके उन स्लॉट्स पे अपनी पोजीशन ग्रैब कर लें। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल व्यू है जी, कि ये मे बी कुछ कंफ्यूजिंग हो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होगा, बट इसको जस्ट आप एज एन एग्जाम्पल देखें। प्रोडक्ट रिसर्च एक टोटली आपको टोटली डिफरेंट वे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बीइंग जस्ट आप ये देख लें कि प्राइवेट लेबल सेलिंग क्या होती है। आप अपने ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट रख के जब सेल कर रहे होते हैं, तो आप एटलीस्ट 25% मार्जिन पे काम करते हैं, और उस हिसाब से इस चीज को लेके चलते हैं। जी इमरान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने MBA किया मार्केटिंग में, और इसके अलावा मुझे ना SEO का भी थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज। ये वर्चुअल असिस्टेंट पे ये से रिलेट कर सकते हैं हम, कि मतलब वहाँ पे भी अप्लाई हो पाएगा? जी देखें, मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ बताई थी कि आपका बैकग्राउंड में भी कुछ हद तक इस पे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, में भी आपको कोई 2% 3% कुछ फ़ायदा हो जाए एक्स्ट्रा, लेकिन कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू शुड बी MBA इन बिजनेस, यू शुड बी मास्टर्स इन CS, यू शुड बी बैचलर्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह की कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टोटली जो नीश है इट इज़ सेलिंग रिलेटेड, इट इज़ स्ट्रेटजीज रिलेटेड। अगर किसी का बैकग्राउंड मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, किसी का बैकग्राउंड CS से रिलेटेड नहीं है, अगर वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अगर वो मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है, आर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये इक्वली आप लर्न करके मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इट इज स्किल। ठीक है, ये आर्ट ऑफ सेलिंग है बेसिकली, कि आपने किस तरह से सेल करना। ठीक है, या जो क्लाइंट्स हैं उनको आपने किस तरह से डील करना। ठीक है, मे भी आपको कुछ थोड़ा एज मिल जाए अगर आप बिजनेस के मास्टर्स हैं, आपको बिजनेस स्टडी पता है, तो ऑब्वियसली आप फिर क्लाइंट्स को एक डिफरेंट वे में डील करेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, लेकिन हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी ये एजुकेशनल बैकग्राउंड होना मस्ट है। सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो पता हो, गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म्स, ऑफिस, ये तमाम काम आपको पता हो, और उसके अलावा जो चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा वो ये कि अगर कोई प्रोडक्ट रिसर्च डिमांड कर रहा है तो आप उसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दें, अगर कोई सोर्सिंग डिमांड कर रहा है तो आप उसको सोर्सिंग करके दें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैटर करते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न इक्वली, मतलब इस पे मे बी बिजनेस वाले स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा एज मिल जाए, क्योंकि उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज या चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी
कंफ्यूज होती भी होंगी, कुछ के लिए ये टर्मिनोलॉजीज ये तमाम चीज़ें बिल्कुल न्यू होंगी, लेकिन इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसे ना कहे कि जी मेरे बैकग्राउंड में तो मैंने मेडिकल पढ़ा है, मैं ये किस तरह से, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो कि अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ में कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल ईजिली इस चीज़ को लेके चलें और विद टाइम ये चीज़ें आपको बहुत ईजी और आसान होनी शुरू हो जाएंगी। जी राजिया तारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है। हाँ जी सर, अगर कोई ना मतलब किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है अमेज़न के ऊपर और उनको कुछ भी नहीं पता कि अगर वीए को हायर करते हैं तो उसकी सर्विसेज क्या हैं, मतलब इमेजेस डिज़ाइन करना ये एक अलग से मतलब है ना, कह सकते हैं हमारी सर्विस, तो उनको नहीं पता, वो कहेंगे कि आपने ही करके देना है, ठीक है, तो हम उनको किस तरह से हैंडल करें कि ये हमारा काम नहीं है, हमें नहीं आता, वीए का काम ये वाला नहीं होता, हम अलग से मतलब किसी को हायर कर सकते हैं, तो हम उसको किस तरह से हैंडल करें क्योंकि वो भी न्यू है, हम लोग भी न्यू हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप एक फिजिकल बिजनेस की बात करें, अगर कोई बंदा किसी को अपना असिस्टेंट हायर करता है, ठीक है, असिस्टेंट का काम है कि वो आपके काम को आसान करे। अब असिस्टेंट को वो ये नहीं कह सकता कि मतलब कि आप जाके मेरे बिहाफ पे या मतलब ड्राइवर के बिहाफ पे जाके मेरी ड्राइविंग का आप मतलब आप असिस्टेंट से बन के मेरे ड्राइवर बन जाओ, ठीक है, मतलब असिस्टेंट शुड बी असिस्टेंट, वो आपके वर्क में आपको असिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इट इज टोटली लेम कि अगर कोई क्लाइंट आपको कहे कि जी अब ये टोटली डिफरेंट डोमेन है, अब एक बंदा है जिसको फोटोग्राफी का बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं है तो आप उससे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवा रहे हैं, जिसको ये ही नहीं पता कि कंटेंट किस तरह से लिखते हैं, आप उससे कंटेंट लिखवा रहे हैं, तो ये मोस्टली तमाम चीजें आप भी आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, बीइंग वीए भी अगर आप ए टू जेड सर्विसेज अगर ऑफर नहीं कर रहे तो आप ये तमाम चीजें अपने क्लाइंट के लिए भी आउटसोर्स करेंगे, आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आई कैन हायर अ पर्सन हु इज प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, मैं आपको एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हायर करके देता हूँ, प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफर हायर करके देता हूँ, ठीक है, तो मोस्टली आप अपने क्लाइंट को ये सर्विसेज इस तरह से दे रहे होते हैं कि आप उसको बताते हैं कि आई नो अ पर्सन हु इज प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफर हु कैन असिस्ट अस इन डूइंग दिस टास्क, आप इस तरह से उस चीज को डील करेंगे, ठीक है, मतलब अ पर्सन कैन नॉट बी ऑल इन ऑल, मतलब कोई भी इंसान तमाम चीजें खुद से पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, अब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी खुद से नहीं कर सकते, आपको जो बैक एंड वेबसाइट बनानी है अपने प्रोडक्ट की, आप क्लाइंट को ये बताएंगे लाजमी कि ये चीज हमें रिक्वायर्ड है, इट इज मैंडेटरी फॉर आवर बिजनेस, ठीक है, आप उसको ये चीज बताएंगे, आप उसके बिजनेस को ग्रो करवा रहे हैं, जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं, लेकिन जो टास्क आपकी डोमेन में नहीं आ रहे तो आपने ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स के लिए आउटसोर्स करने हैं, ठीक है, आपने दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हायर करने हैं, आपने फाइबर अपर के लोगों को ये टास्क देना है, उनके थ्रू फिर आप ये सर्विसेज लेते हैं। सर इसके अलावा अगर जिस तरह से एक और चीज है कि कस्टमर सपोर्ट जो होती है, अब वहां पे लिखा हुआ होता है कि हम अगर 4 आवर्स अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है, तो सर वहाँ पे 4 आवर्स के बाद भी ऑर्डर आ सकता है, तो हम 24/7 ये किस तरह से होगा कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें? जी देखें ऑर्डर मोस्टली आपके क्लाइंट्स जितने भी होते हैं दे प्रेफर FBA, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, आप सो रहे हैं अगर आपको ऑर्डर आया तो आपके सोते सोते ही अमेज़न वो ऑर्डर फुलफिल कर देता है, ठीक है, अगर उस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी कस्टमर को कोई इशू आ जाता है कि जी द आइटम योर कस्टमर रिसीव्ड वाज ब्रोकन, वाज नॉट एक्चुअली द सेम व्हिच यू मेंशनड इन द इमेजेस, वो क्लेम्स आपके अगर राइज होते हैं तो वो आपने डील करने हैं, फिर आपने कस्टमर को बताना है कि जी आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, मैं आपको रिफंड इशू कर देता हूँ, ये तमाम चीज़ें आपने फिर डील करनी होती हैं, ठीक है, अगर तो आप FBA मॉडल को लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जब भी ऑर्डर आएगा तो आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न इटसेल्फ ले रहा है, ठीक है, और अमेज़न आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर आने पे आपकी फुलफिलमेंट करेगा बायर को, मतलब आपको उसमें कुछ ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप FBM कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो लोग FBM कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स के लिए एक VA नहीं देखते, वो फिर इस तरह से देखते हैं कि वो आपको इतने आवर्स आपको अकाउंट हैंडलिंग का बोलेंगे, उसके अलावा फिर वो बाकी भी कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर हायर करेंगे ताकि उनका अकाउंट जो है वो ऑल द टाइम मैनेज रहे, या फिर इतना टाइम तो आपके पास होता है कि आप विद इन 2-3 डेज डिलीवरी कर रहे हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे भी अगर 4 घंटे अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने प्रिंटिंग लेबल्स और ईच एंड एवरीथिंग आप जनरेट करके उस प्रोडक्ट को फुलफिल करवा सकते हैं, अगर आप एज ए FBM सेलर सेल करें, FBM इज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट अमेज़न की जुबान में सेलर को बोलते हैं, ठीक है, कि अगर सेलर अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट खुद भेजना जा रहा है बायर को,
तो दैट इज एफ बी एम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जी। ठीक है सर, अगर तो हम लोगों ने, मैंने ना बहुत देखा है कि पाकिस्तान से भी वो बिजनेस कर रहे होते हैं अमेजोन पे, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है और हम चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर सेल करना, ठीक है, पहली बात तो ये कि हम मार्केट प्लेस वही जिप कोड देखेंगे कि हम कैनेडा में जाके सेल कर रहे हैं या कहीं और, तो सर पाकिस्तान में अगर वो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास तो हम अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या वो जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं वो सारा कुछ, तो मतलब ये वाली चीज नहीं, मैंने सुनी कि कस्टम ड्यूटीज भी होती हैं इस चीज के अंदर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, तो ये थोड़ा सा प्लीज। देखें ग्रेजुअली चलें, मतलब ए टू जेड लर्निंग है, 3 मंथ्स का कोर्स में आपको 3 hours में कंप्लीट नहीं करवा सकता। इस चीज को आप इस तरह से लें, देखें थोड़ा ग्रेजुअल जाएं सारे, ठीक है। आप ये देखें कि सोर्सिंग एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, आपको किस तरह से कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है, एक फ्रेट फॉरवर्डर आपके बिहाफ पे अगर डीडीपी करवा रहा है, डीडीपी इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, कि आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी, आपने एट ऑल आपने फ्रेट फॉरवर्डर को पे कर दिया, वो फ्रेट फॉरवर्डर रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। अगर आप एफओबी कर रहे हैं, एफओबी इज द फ्री ऑन बोर्ड, कि वो प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचा देगा। मोस्टली लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं कि दे कॉल एफओबी, वो फ्री ऑन बोर्ड करवा लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंच जाता है। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का ऑपरेटिंग पोर्ट इस टाइम मोस्टली जो है वो कराची पोर्ट है, आपकी प्रोडक्ट कराची पोर्ट तक आ जाती है आगे, फिर आपने खुद अपनी ड्यूटीज कस्टम्स क्लियर करवा के उस प्रोडक्ट को आपने रिसीव करना होता है। और अगर आप डीडीपी करवा रहे हैं तो डीडीपी वाला फ्रेट फॉरवर्डर रिस्पॉन्सिबल है कि आपके प्रोडक्ट को आपके डोर स्टेप तक पहुंचे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप सोर्सिंग से रिलेटेड है, जो कि हम लेटर ऑन इन डेप्थ सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जो टूल्स होते हैं वो तो 5000 तक होते हैं ना, तो हम लोग मतलब किस तरह बाय करेंगे हर बच्चा, ये तो काफी कॉस्टली हो जाएगा। नहीं, आई विल गिव यू द स्ट्रेटजीज कि अगर आपको टूल परचेज करना है तो आप किस तरह सिस्टम से अर्न करें और टूल परचेज करें, ठीक है। देयर इज नो नीड कि जी आप अपने एंड पे कोई भी इस तरह से बर्डन लेंगे, जी आप मंथली 5000 रुपीज के टूल्स आ रहे हैं हमारे पास या फिर कोई भी इस तरह से चीज है, तो उस चीज की टेंशन नहीं लें। आई विल गिव यू द स्ट्रेटजीज कि आपने किस तरह से सिस्टम से ही कमाना है और फिर इसी चीज को आपने अपने लिए यूटिलाइज करना है मजीद बेहतर वे के लिए, ठीक है। आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग बताऊंगा स्टार्टिंग में कि आपने किस तरह से प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है। प्रॉक्सी मार्केटिंग आपका वो स्टेप होगा कि जिसमें आपको एटलीस्ट इतनी मंथली पोटेंशियल इनकम आ जाएगी कि आप एटलीस्ट अपने जो टूल्स आप परचेज करेंगे वो आप वहां से उनके एक्सपेंसेस बेयर कर सकें। सर और एक और चीज थी कि सर ये कंटिन्यूअसली हम लोगों ने 4 घंटे 1 बजे तक पढ़ना है, ये दरमियान में कोई रिसर्च का टाइम होगा? जी जी बीच में होगी ब्रेक। ठीक है सर, सर एक लास्ट चीज है, सॉरी मतलब बस लास्ट ही है सर, मैंने ना आपको मैसेज किया था, जब भी आप फ्री हो ना काइंडली उसको रिस्पॉन्ड करिएगा प्लीज, मैं बहुत टेंशन में थी तो मैंने कहा मैं आपको अभी बता देती हूँ। जी अच्छा, एक चीज जी थोड़ा इशू है मेरे लिए कि मेरे पास ऑल द टाइम बहुत ज्यादा इनबॉक्स होते हैं, ठीक है, मेरी अपनी टीम के प्रीवियस स्टूडेंट्स के, तो मतलब मैसेजेस मैं रीड कर लेता हूँ लेकिन मोस्टली वो इन टाइम मेरा रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता उस पर, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस इन एडवांस, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि विद इन ग्रुप अगर आप लोग रहें तो वो चीज ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि आपका क्या नंबर है और क्या मैसेज था, मैं इसको रीड आउट कर लूंगा। जी सर, वो ग्रुप वाला इशू नहीं था, वो थोड़ा अलग से था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैंने आगे कहाँ पे डिस्कस करना है, वो इशू था थोड़ा सा एडमिशन वाली साइड पे, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे आपको पर्सनल में किया था। बाकी अगर आप कहें तो मैं मतलब कोई अगर ऑफिशियल है तो आप उनका बता दें, हम उनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं जिससे आप कहें। ठीक है, मैं मेरे आई गेस आपका मैसेज, ये जो आपकी जीपीए से रिलेटेड मैसेज है, ये आपका मैसेज? जी 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 सर, वही वाला वही वाला। ठीक है, वो कोई इतना खास इशू नहीं है, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने कॉलेज में भेजने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा एड्रेस वगैरह और वो तमाम चीजें इन फ्यू डेज के आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, जस्ट आपने वो चीजें फिर सेंड करनी है, ठीक है। तो खैर इट इज नॉट अ बिग इशू, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। और तमाम स्टूडेंट्स प्लीज इस चीज पे फोकस रखें कि स्टे विद इन अ ग्रुप, अदरवाइज पता है पता नहीं चलता, नंबर सेव नहीं होता और इशू बन जाता है कि जी किसका मैसेज था क्या मैसेज था। समटाइम्स मैसेज मतलब इस तरह से है कि रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता, लेकिन ग्रुप में अगर कोई चीज अगर टैग करके आप
हैं तो लाजमी उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स प्लीज अपनी तमाम डिस्कशन, और इसके अलावा भी मैं आपका एक अलहदा से भी ग्रुप बना दूंगा इन फ्यू डेज के, जो फिर हमारी स्टडी से रिलेटेड तमाम जितनी भी बातें हैं या जो भी आप टास्क डेली बेसिस पे देख रहे हैं, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उस चीज से रिलेटेड, आप उस ग्रुप को डिस्कशन बेस्ड रखें, ठीक है। रेलिवेंट रहें, कोई फॉरवर्डेड मैसेजेस या फिर कोई जोक शेयरिंग या फिर पाई के लिंक्स कोई ना शेयर करें प्लीज, तो वो आप उसको एक इफेक्टिव ग्रुप लेके चलें, तो वो चीज़ इंशाल्लाह हम लाजमी क्रिएट करेंगे विद इन फ्यू डेज। तो तमाम स्टूडेंट्स करेंटली जो हैं वो विद इन दिस ग्रुप अपनी डिस्कशन प्लीज अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है जी। फरहा सबूर, ठीक है, सॉरी, अभी आपने बात की आउट, सर आपने अभी बात की थी आउटसोर्सिंग की ना, अगर हम क्लाइंट को आउटसोर्सिंग करके देते हैं तो उसके चार्जेस हम क्लाइंट से सेपरेट लेंगे या जो हमारी सैलरी होती है उसी में हमें मैनेज करनी होती है? नहीं, ऑब्वियसली क्लाइंट विल पे, क्लाइंट का काम करके दे रहे हैं, क्लाइंट का बिजनेस है, आप तो सिर्फ अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको चार्ज करेंगे। अब आप एक बंदे को टोटली गाइड कर रहे हैं कि ए टू जेड आप एक सक्सेसफुल बिजनेस किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास टीम है, उसमें कॉन्टेंट राइटर्स भी हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स भी हैं, अगर नहीं भी हैं तो ये चीज़ें बहुत ईजिली आउटसोर्स हो जाती हैं। अगर आप अपने क्लाइंट से इस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं तो आप आगे से किसी से आउटसोर्स करवा सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड उस चीज़ को मार्केट में प्रेजेंट करवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड डीडीपी स्टैंड्स फॉर डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, थैंक यू सो मच सर जी। क्लास एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अस्सलाम वालेकुम सर जी, प्लीज सर वॉइस नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी, प्लीज इसको मैंने दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट भी किया लेकिन वॉइस नहीं आ रही मुझे। क्लास सबको इशू आ रहा है वॉइस का या जस्ट साइका कैंट पे इशू है? नहीं सर, वॉइस तो क्लियर आ रही है, हमें तो क्लियर आ रही है जी। साइका आप प्लीज अपने एंड पे कनेक्टिविटी इशू देखें, मे बी जो आपका इंटरनेट है उसको आप रीस्टार्ट करके देख लें, मे बी जिस बेसिस पे आपको आवाज का इशू आ रहा होगा। सर इस तरह तो फिर टूल्स वगैरह जो जो हमने परचेज करने वो भी हम अपने क्लाइंट से ही करके करवा सकते हैं या खुद हमें वो करने पड़ेंगे? आपकी आवाज हमें क्लियरली आ रही है, मे बी आपके एंड पे कोई स्पीकर का इशू है या फिर कनेक्टिविटी इशू है जिस बेसिस पे आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। इमरान, मोस्टली आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको नॉर्मली अपने अकाउंट्स के साथ प्लगइन्स भी ऑफर करते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए तो ये तमाम चीजें आपको खुद से एक्वायर करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लाइंट में भी आपको 2 माह बाद मिले, लेकिन फ्रीलांसिंग पे में भी आपको 2 दिन के अंदर 2 टास्क मिल रहे हो, ठीक है। तो उस बिहाफ पे फिर आपको अपने एंड पे ये आपका टूल है, ये आपके बेसिकली अगर हम कहें कि ये आपके वर्किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, तो ये तमाम चीजें आपको ऑल द टाइम रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है, स्पेशली टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो। जी आलिया अफजल, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम रैंकिंग करके देंगे तो उसके लिए हमें एसईओ भी सीखनी होगी, वो भी इसी कोर्स में होगा या अलग से हमें एसईओ का कोर्स भी करना पड़ेगा? नहीं, आपके प्राइवेट लेवल से रिलेटेड ए टू जेड लर्निंग इस कोर्स में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एसईओ बेसिकली जो हम हीलियम 10 के थ्रू टॉप सर्चेज वाले कीवर्ड्स निकालते हैं, उनको आपने फिर किस तरह से आप उन पे टारगेटिंग करके अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करवा रहे हैं, उस पे आप सेल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हमारी रैंकिंग में कवर होंगे, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ये जितनी भी प्राइवेट लेवल से रिलेटेड लर्निंग है या वो कम्प्लीट ए टू जेड इस कोर्स में कवर करवा दी जाएगी। जी घानिया अंबर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैंने पूछना था कि ये जो कंप्यूटर स्किल्स के बारे में आपने बताया, तो ये हमें जो बिल्कुल
ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड सपोर्ट जो है वो करना चाहिए या फिर सब इसमें सिखाया जाएगा जी? इस पे कोई कंप्यूटर कोर्सेज या कोई इस तरह की एडिशनल चीज तो मतलब नहीं है इस कोर्स में, ठीक है? मतलब बेसिक सी चीजें हैं, आपको टीम्स यूज करना आना चाहिए, आपको गूगल शीट्स का पता हो, गूगल फॉर्म्स का पता हो, ठीक है? ये आप बेसिक इंट्रोडक्टरी बेसिक आप यूट्यूब पे इनकी लर्निंग देख लें काम किस तरह से होता है, गूगल शीट्स पे काम किस तरह से होता है, गूगल डॉक्स पे काम किस तरह से होता है, ठीक है? क्योंकि ये शेयर्ड ऑफिस वर्क के प्रोग्राम्स हैं, तो अब कोई क्लाइंट यहाँ से यूएस बैठा है, कोई जर्मनी बैठा है, कोई यूके बैठा है, कोई जापान बैठा है, जहाँ भी बैठा है, तो आप यहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं शीट पे, तो वो शीट उसके साथ शेयर्ड है, वो आपकी वर्किंग देख रहा है साथ साथ, ठीक है? या मतलब एक डिजिटल वे में आपके कोई बुक कीपिंग करना चाह रहे हैं या कोई जितनी भी चीजें हैं वो आपकी ऑटोमेटेड किस तरह से शीट्स के ऊपर आ गई हैं, ठीक है? आप मैनुअल कीपिंग कर रहे हैं, आप हर चीज नोटबुक पे लिख रहे होते थे पहले, अब वो तमाम चीजें आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस या जो भी आपकी जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है या जो भी आपके एंड पे रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो आप डे टू डे आप मेंशन करते हैं अपने गूगल शीट्स पे, एक्सेल पे, और वो शेयर्ड होती है आपके क्लाइंट्स के साथ, तो वहां से उनको वर्किंग पता चल रही होती है। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन जी, ये जो हम ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो तो इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? सॉरी, यानी हमें ऑनलाइन क्लास तो हम दे रहे हैं ना ये मोबाइल पे, अगर प्रैक्टिस हमें करनी हो जो ये सारा आप सिखा रहे हैं तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, प्रैक्टिस आपकी तभी हो सकती है जब आपके एंड पे स्किल का नॉलेज है। अभी तक तो ये टोटली ओवरव्यू है हमारा, ठीक है? स्टार्टिंग के कुछ वीक्स तक सिर्फ हमारी बेसिक चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है? 3 months का कोर्स है, फिर उसके बाद जब हम स्किल्स के ऊपर आएंगे तो फिर मैटर करती है कि आपने तमाम चीजें सीखनी है जी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है? फिर आप प्रोडक्ट फाइंड करने की डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं कि आपने किन किन वेज से प्रोडक्ट फाइंड किया है, फिर उन प्रोडक्ट्स को आपने टूल्स पे रन करके देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया पे मीट करें, ठीक है? फिर जब आपने एक स्किल सीख ली, आपको पता चल गया कि इस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च होती है, तो फिर आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? फिर आपने डे टू डे आपने डेली 1-2 hours में आप कोई मतलब प्रोडक्ट रिसर्च कर देने हैं, आपने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ठीक है? फिर देखना है कि कौन से प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, फिर आपका अपना एनालिसिस डेवलपमेंट हो जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए मार्केट में सेल करना चाहूँ तो ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली आपकी इस चीज में है। फिर लेटर ऑन आपने सोर्सिंग करनी है तो आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करके किस तरह से अलीबाबा के मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से किस फॉर्मेट में आपने उनके साथ डीलिंग करनी है, ठीक है? क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप उनसे पूछते हैं, किस तरह से आप उनके साथ निगोशिएट करते हैं, क्या बन के आप उनसे बात करते हैं, ठीक है? तो ये फिर आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, ठीक है? फिर लिस्टिंग से रिलेटेड है, आपने अगर कोई लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग में टाइटल कैसा हो, बुलेट पॉइंट्स कैसे हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसी हो, अगर आप कोई इनहांस ब्रांड कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो वो कैसा हो, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आपकी प्रैक्टिकली फिर आपकी रिविजन पे आएंगी कि आप उस चीज को आफ्टर क्लास कितना उसको आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? फिर आपने उस पर थोड़ी ग्रिप ले लिया तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग आप ऑफर करने शुरू कर देते हैं मार्केट में, फिर आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, अकाउंट अगर किसी का सस्पेंड है तो आप अकाउंट रीइंस्टेटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जी जिन पे हमारे अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके अकाउंट सस्पेंडेड हैं, उनको ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स रिक्वायर्ड के जो उनके अकाउंट रीइंस्टेटमेंट अपील कर सके, उनको अकाउंट रीइंस्टेट करके दे सके, ठीक है? तो ये तमाम चीजें मैटर करते हैं, ठीक है? आप जब फिर इन प्रैक्टिकली स्किल्स की तरफ आएंगे, अभी तो एक ओवरव्यू है, ठीक है? तो जब आप उस प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ आएंगे तो वो फिर आपने परफॉर्म करनी है प्रैक्टिकली साथ साथ, ठीक है? इंप्लीमेंट करनी है आपने। आपको बताया गया जी अलीबाबा पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, अलीबाबा पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, फिर आपको बताया गया जी कि क्या क्राइटेरिया है आपके सप्लायर्स का, आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स फाइंड करें, उनको कॉन्टेक्ट करें, उनके साथ निगोशिएट करें, वो तमाम चीजें फिर आपकी प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये चीजें आप इस तरह से लेके चलेंगे जी। फराह सबूर सर, ये जो अभी टूल्स की बात हो रही थी, ये टूल्स क्या हैं? इनमें कोई स्पेसिफिक टूल्स यूज होते हैं जो भी बात हो रही थी कि? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक टूल्स यूज होते हैं, प्राइवेट लेवल के अलग से टूल्स हैं, होलसेल के अलग से टूल्स यूज होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से हमारे पास टूल्स हैं।
ठीक है। हम विद इन अमेजोन भी अगर बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, चीजें आपको साथ साथ समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो करंटली जो आपके लिए प्राइवेट लेवल से रिलेटेड टूल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीलियम 10 है। हीलियम 10 के अलावा आपके पास मर्चेंट वर्ड्स हैं, मर्चेंट वर्ड्स के अलावा आपके पास वायरल लॉन्च है, और वायरल लॉन्च के साथ साथ आपके पास जंगल स्काउट है, ठीक है। तो ये चार टूल्स हम नॉर्मली परचेज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास मजीद काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको हम प्लगइन्स को यूज़ करके हम काफ़ी सारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये मोस्टली मार्केट के रिलायबल टूल्स हैं वर्ल्ड वाइड। हर क्लाइंट इनके स्टेटिस्टिक्स को समझता है, ठीक है। अगर किसी को आप जे एस स्कोर 6 बता रहे हैं तो कोई भी अमेजोन सेलर है तो वो डायरेक्टली समझ जाएगा कि जे एस 6 का क्या मतलब है, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, ठीक है। वो आपको बता रहा है जी हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम 25,000 है, तो दिस मींस के जी एक ह्यूज वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो अगर मर्चेंट वर्ड्स का अगर आप किसी को सर्च वॉल्यूम बता रहे हैं 20,000, तो वो समझ जाएगा कि ये कोई इतना खास अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो ये विद टाइम आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट होंगी। जी मोहम्मद नदीम सर, ये जो टूल की बात करें, मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर है या जिस तरह ये चीजें हम यूज करते हैं एक्सटेंशन वगैरह गूगल के अंदर, ये वो चीजें हैं, ये कोई समझ नहीं आ रही इसकी खास टूल। बेसिकली एक्सटेंशंस हैं ये, ठीक है। एक्सटेंशंस हैं आपकी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, गूगल एक्सटेंशंस, ये पेड एक्सटेंशंस आपको परचेज करने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब ये अमेज़न पे जब वर्किंग करेंगे तो फिर हम गूगल एक्सटेंशन जो है ये, मतलब जिस तरह एक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसी तरह ये हमें जो है परचेज करनी पड़ेगी जी। एग्जैक्टली इसी तरह से जी। फराज सपूर को योर क्वेश्चन है आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, दैट इज रिगार्डिंगली व्हाट इज अमेज़न, ठीक है। व्हाई नॉट ईबे, व्हाई नॉट वॉलमार्ट, व्हाई नॉट अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है। तो जस्ट ओवरव्यू है इसके भी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज आपको पता हो कि अमेज़न क्या है, किस तरह से ये काम कर रहा है, क्या क्या डोमेन्स है जिसपे ये टारगेटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपकी अमेज़न से रिलेटेड इस टॉपिक में कवर होंगी, ठीक है। ब्रेक ले लें अभी, बल्कि आज फ्राइडे है, ब्रेक आज नहीं लेते, आज हम थोड़ा अर्ली ऑफ कर लेंगे, ठीक है। फ्राइडे पे हम ब्रेक नहीं लेंगे, फ्राइडे हम थोड़ा अर्ली ऑफ कर लेंगे, बाकी टाइम पे हम 11 ऑनवर्ड्स फिर हम हाफ आवर की या 40 मिनट्स की ब्रेक ले लेंगे ड्यूरिंग सेशन, ठीक है। तो आज हम ये थोड़ा कवर करते हैं और उसके बाद ड्यू टू फ्राइडे हम अपना सेशन जो है थोड़ा अर्लियर एंड कर देंगे। अच्छा, अब व्हाट इज अमेज़न, ठीक है। amazon.com इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन सीटल वॉशिंगटन, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कुछ याद करने की या फिर कोई इस तरह की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली VA का भी जो तमाम चीजें हैं आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें, पता हो कि ये होता क्या है, ठीक है। जस्ट आपके एंड पे पता हो कि आप ये काम कर रहे हैं तो इसका बैक वजह क्या है, ठीक है। मतलब क्या इनके पोटेंशियल्स हैं, क्या इनकी तमाम चीजें फीचर्स क्या हैं इनकी, ठीक है। तो इट इज बेस्ड इन सीटल वॉशिंगटन। अमेज़न फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। अमेज़न फोकस करता है जी ई कॉमर्स पे, और दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंस भी अमेज़न A9 इस टाइम ग्रैब कर रहा है। इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बिग 4 टेक्नोलॉजी कंपनीज अलोंग विद गूगल, एप्पल एंड फेसबुक, ठीक है। दुनिया की जो 4 बिग 4 कंपनीज अगर हम कंसीडर करते हैं तो अमेज़न उसमें से एक है।
it has been referred to as one of the most influential economic and cultural forces in the world, as well as the world most valuable brand. ठीक है, Amazon जो है वो apart from Google, Apple and Facebook big four में consider होता है, और ये refer किया जाता है as one of the most influential economic and cultural forces in the world. ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग employed हैं, बहुत सारी दुनिया जो है इस time, जब आप later on इसकी in-depth study पे जाएंगे, आप इसकी skill development पे जाएंगे, तो you will see के million of the people are relying on Amazon. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ Amazon पे rely कर रहे हैं अपनी bread earning के लिए. जो चाइना में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वहाँ पे जा रही हैं, क्या मतलब सारा सिस्टम हो रहा है, वो लेटर ऑन आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, मोर अबाउट Amazon अगर हम बात करें तो Amazon is known for its disruption of a well-established industries through technology, innovation and mass scale. It is world largest online marketplace. ये दुनिया की सबसे बड़ी marketplace है, and AI assistant provider, live streaming platform, cloud computing platform as measured by revenue and market capitalization. Amazon is the largest internet company by revenue in the world. It is the second largest private employer in the US and one of the most influential, one of the most valuable companies. ठीक है, इसके जो founder है, he is Jeff Bezos. ठीक है, इसको आप थोड़ा explore करने, बहुत सी movies बनी है Jeff Bezos पे. Recently he was the richest man of the world. अभी Elon Musk कभी Jeff Bezos, इन दोनों के बीच में figures जो हैं वो alternatively आते रहते हैं. तो ये basically जो company इन्होंने start की थी, ये एक online book selling के लिए इन्होंने अपनी marketplace start की थी. तो gradually ये grow करके, अगर आप history of Jeff Bezos अगर आप देखें YouTube पे, या फिर Jeff Bezos से related या Amazon history से related आप देखें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो clear हो जाएंगी. ठीक है, the company started as an online marketplace for books but expanded to sell electronic software, video games, apparel, furniture, food, toys and jewelry. In 2015, Amazon surpassed Walmart as most valuable retailer in the United States by the market capitalization. In 2017, Amazon acquired a whole food market for $13.4 billion. ठीक है, ये जस्ट फिगर्स आपको नॉलेज के लिए हैं, मतलब कोई याद करने की या फिर इस चीज़ से रिलेटेड कोई इतनी इम्पोर्टेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 2018 Bezos अनाउंस्ड दैट इट इज़ टू डे डिलीवरी सर्विसेज, Amazon Prime उसने डेवलप किया. फिर 100 million सब्सक्राइबर्स मिले वर्ल्ड वाइड Amazon को एज अ प्राइम बायर, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं Amazon पे. ठीक है, मोर अबाउट अगर हम Amazon बात करें तो Amazon डिस्ट्रीब्यूट डाउनलोड एंड स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोज, म्यूजिक एंड ऑडियो बुक्स थ्रू द प्राइम वीडियो, Amazon म्यूजिक, ट्विच एंड ऑडिबल सब्सिडरीज. ठीक है, Amazon ऑल्सो हैज अ पब्लिशिंग आर्म्स, Amazon पब्लिशिंग, अ फिल्म एंड टेलीविजन स्टूडियो, Amazon स्टूडियोज एंड अ क्लाउड कंप्यूटिंग सब्सिडरी, Amazon वेब सर्विसेज. इट प्रोड्यूसेज कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग किंडल ई रीडर्स, मतलब बुक रीडिंग के लिए जो ऑनलाइन आपकी ई बुक्स हैं उसके लिए Amazon ने किंडल ई रीडर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाया हुआ है. फायर टैबलेट्स, फायर टीवीज, एको डिवाइसेस, इन एडिशन Amazon एग्जीक्यूशंस इंक्लूडिंग रिंग, ट्विच, होल फूड मार्केटिंग, IMDb. Among various controversies, the company has been criticized for the technology surveillance overreach, a hyper-competitive and demanding work culture, tax avoidance and anti-competitive practices. ठीक है, तो मतलब बहुत सी चीज़ों को लेके चल रहे हैं Amazon. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को. तो सम बेसिक्स में अगर हम देखें इंडस्ट्री में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इवन सेल्फ ड्राइविंग वेसल्स भी Amazon के पास हैं. ठीक है, तो ये इतनी एक ह्यूज कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड सर्व हो रही है. ठीक है, फाउंडेड ऑन July 5, 1994, और वॉशिंगटन US में इसकी बेस रखी गई. फाउंडर इज द जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर है सीटल US में, एरिया सर्व हो रहा है जी वर्ल्ड वाइड. की पीपल हैं इसके जी जेफ बेजोस, वर्नर वोगेल है इसका CTO है. ठीक है,
और ये तमाम चीज़ें जी, जस्ट फॉर द नॉलेज, इसमें हमारे पास देखा जाए तो लास्ट फ्यू इयर्स में अमेजोन वेब सर्विसेज रेवेन्यू इंक्रीज हुआ जी 280 बिलियन में 2019 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग इनकम इसकी इतनी इंक्रीज हुई, ठीक है। ये फिगर्स में भी अभी गूगल के साथ एग्जैक्टली मैच ना कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल इसी तरह से इसके पास ग्रोथ आ रही है विद टाइम, ठीक है। स्पेशली कोविड में भी बात करें तो सबसे ज्यादा बूस्ट अमेजोन सेलिंग पे आया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसने इंक्रीज किए हैं जी जुलाई 2020 में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सब्सिडरीज की बात करें तो हमारे पास इसकी काफी सारी सब्सिडरीज हैं जी, अराउंड 40 सब्सिडरीज हैं अमेजोन की, ठीक है। इसमें हमारे पास अमेजोन मेरीटाइम है, ऑडिबल डॉट कॉम है, मतलब नंबर ऑफ द सब्सिडरीज अमेजोन इज वर्किंग ऑन। तो तमाम टेक्नोलॉजी बेस्ड है। A9 इज रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अमेजोन मैरिटाइम जो है ये इनके नॉन ड्रिवन वेसल्स हैं, मोस्टली इनके जो वेसल्स होते हैं वो चाइना टू US जो हैं वो खुद से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी अराउंड 40 सब्सिडरीज हैं, ठीक है। और मतलब इतनी ह्यूज कंपनी है। और उसके बाद अगर हम मार्केट प्लेसेस करंटली देखें, जहां जहां पे आप सेलिंग के हिसाब से देख सकते हैं, तो अमेरिका रीजन में हम देखें तो ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको, US, ठीक है। अब ये आज का आपका टास्क है कि आपने ये तमाम मार्केट प्लेसेस जो हैं वो ओपन करके देखनी है, और आपने वहां पे देखना है कि जी कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ही होगा मैट, अगर आप तमाम कंट्रीज में सेल करते हैं तो वहां पे आप देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आप ब्राजील में देखें, नॉर्मली हम ब्राजील वगैरह में कुछ सेल नहीं करते क्योंकि इसमें हम लोगों की जो टारगेटिंग होती है वो बिग 3 4 मार्केट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। जो इसमें सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो US है, amazon.com। amazon.com के बाद तीन मार्केट्स हमारे पास इक्वली डील हो रही हैं, amazon.co.jp जो जापान की मार्केट है, सिमिलरली amazon.de, DE इज डचलैंड, जर्मनी के लिए ये वर्ड भी यूज होता है डच लैंग्वेज में, तो amazon.de। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जी यूके की, amazon.co.uk, तो ये तीन मार्केट प्लेसेस हमारे पास इक्वली डील हो रही हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्टार्ट जब करें तो हम सेकंड नंबर की जो मार्केट प्लेसेस हैं जापान, जापान में भी नहीं बल्कि हम मोस्टली कोशिश ये होती है कि हम जर्मनी या फिर यूके में सेलिंग से स्टार्ट करें, और इवेंचुअली जब हम समझ जाएं तमाम सेलिंग, तो फिर कंपटीशन और जो ग्रोथ आपकी US मार्केट में है वो बाकी मार्केट प्लेस में काफ़ी कम है। ये लेटर ऑन हम स्टेटिस्टिक्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन करंटली ये चीज़ आप देख लें कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बिगेस्ट मार्केट प्लेस है अमेजोन की वो US है। US के बाद जो आपके पास बिग मार्केट प्लेसेस हैं उनमें जापान, जर्मनी और यूके है। बाकी तमाम मार्केट प्लेसेस ग्रोइंग मार्केट प्लेसेस हैं, बट दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रो मार्केट प्लेसेस, ठीक है। वो एक माइक्रो मार्केट प्लेसेस कंसिडर की जाती हैं, उस पर आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तमाम आप अपने पास नोट डाउन कर लें, इनको आपने स्पेसिफिकली आपने amazon.com, amazon.de, amazon.co.uk, इन तीन मार्केट प्लेसेस को आपने लाजमी ओपन करके देखना है अपने पास। और सिटी के जो कोड्स हैं, आपने पोस्टल कोड्स आपने गूगल से लेके आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं, और कोई भी प्रोडक्ट आप फाइंड करके देखें कि वहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी मार्केट प्लेसेस में आ रही हैं डिफरेंट अमेजोन की। और अब जी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जी वाई वी चूज अमेजोन वर्सेज अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है। जो हमें एक अमेजोन से रिलेटेड हमें एक चीज़ पता चली कि जी कितनी ज़्यादा इसके पास सब्सिडरीज हैं, जो स्मार्टेस्ट इसने एक सिस्टम बनाया हुआ है FBA का, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का जो इसने सिस्टम बनाया था, वो तमाम चीज़ें आपके एंड पे कितनी बेनिफिशियरी हैं। लाइक आपकी तमाम बिजनेस हैंडलिंग अमेजोन कर रहा है, फिर उसके अलावा यहाँ पे 100 मिलियन वर्ल्ड वाइड आपके पास प्राइम बायर्स हैं, और जो आपके पास पोटेंशियल सेलिंग अमेजोन पे है वो एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस काफ़ी बेहतर है। तो जिस बेसिस पे आपके क्लाइंट्स जो हैं, जो एक ड्रीम विश करके जी हम 7 फिगर 6 फिगर अमेजोन सेलर्स बन जाएं, और उस बेसिस पे फिर आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं जी टू वर्क एज अ VA फॉर अमेजोन, ठीक है। तो
तो ये वजह है कि जी हम एक ओवरऑल एक वर्ल्ड वाइड अगर हम एक देखते हैं जी, तो उसमें हर किसी की एक अप्रोच है कि हम अमेजोन सेलिंग करें ताकि यहाँ पे तमाम चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक चीज़ है वो ये कि आप अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं, अपने स्टेबल बिजनेसेस को आप फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ किस तरह से करते हैं हम लेटर ऑन अपने टॉपिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली कल के टॉपिक में हम इस चीज़ को देखेंगे कि अमेजोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, किस तरह से हर मॉडल काम कर रहा है और कौन से मॉडल पे आप कितना आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरओआई इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे अगर आपका बिजनेस टोटली ऑटोमेटेड है तो आप ऑनरशिप चेंज करके अपने बिजनेस को अगर सेल करते हैं तो आप कितना एसेट अपने बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप ये पता हो कि आप अमेजोन पे सेलिंग की वजह क्या है, आप क्यों आते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपका तमाम काम टोटली डिजिटल वे में चल रहा होता है, आपको जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, आपको एक लैपटॉप रिक्वायर्ड है, बाकी तमाम चीजें आप दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फ्रीडम आपको दे रहा है लाइफ में, वो आपको फ्रीडम ऑफ लोकेशन दे रहा है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं बट फ्रीडम ऑफ लोकेशन वो कभी भी अर्न नहीं करते, ठीक है। फ्रीडम ऑफ लोकेशन, फ्रीडम ऑफ टाइम, अगर कोई एक ऐसा अमेजोन सेलर है जिसका स्टोर है और वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसने वी हायर किया, तो ही हैज अ फ्रीडम ऑफ टाइम, ही हैज अ फ्रीडम ऑफ प्लेस, ही हैज अ फ्रीडम ऑफ मनी, ठीक है। तो काफी सारे फ्रीडम्स आपको एक साथ मिल रहे होते हैं जो कि लाइफ में लोग कभी भी अनलॉक नहीं कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग ना फ्रीडम ऑफ टाइम कर सकते हैं, ना फ्रीडम ऑफ मनी अचीव कर सकते हैं, ना फ्रीडम ऑफ टाइम अचीव कर सकते हैं। वो ऑल द टाइम 9 to 5, 9 to 8, 10 to 10 जॉब्स कर रहे होते हैं और बस अपनी किचन इनकम से आगे नहीं आ पा रहे होते, ठीक है। तो ये चीजें हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने एंड पे फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ प्लेस, ये तमाम लेवरेजेस हम किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से हम इन प्रिविलेजेस को अचीव कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंटली आपके अमेजोन बिजनेस मॉडल में ये चीजें आती हैं, आपके ई कॉमर्स मॉडल्स में आती हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप बीइंग सेलर अगर हम बात करें तो ये चीज अचीवेबल होती है आपके लिए, और बीइंग वीए तो आपको ऑब्वियसली टास्क परफॉर्म करने होते हैं, आपको अपने इन टाइम जो है ये तमाम चीजें फुलफिल करके देनी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी स्पेसिफिकली चूज अमेजोन वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस फॉर द वीए सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है, यहाँ पे पोटेंशियल इनकम आपकी काफी ज्यादा जनरेट हो सकती है, जिस बेसिस पे फिर आपके पास चांस टू गेन सेलिंग, ये तमाम चीजें आपके पास काफी ज्यादा आ जाती है, ठीक है जी। क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेस करना। जी हसनैन, जी वालेकुम सलाम। देखिए डिपेंड करता है, इट्स अबाउट ये नहीं कह सकता कि मैं डायरेक्टली आपको कोर्स के बाद, अब मेरे पास ऑलरेडी मेरे दो बैचेस के स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब कोई टास्क होता है तो मैं ऑब्वियसली रेफर अपने स्टूडेंट्स तक ही करता हूँ, जो मैं अगर खुद डील नहीं कर रहा या जो मेरी कंपनी डील नहीं कर, तो कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक उसको शेयर कर दूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं या नहीं करते हैं। तो इट डिपेंड्स, आप मार्केट में जितने क्लाइंट्स गेन कर सकते हैं वो आपके पास ओपन मार्केट है, वर्ल्ड वाइड आपके पास क्लाइंट्स हैं, आपको टेक्टिक्स बता दी जाएंगी, तो आप अपने एंड पे जो चीज़ अचीव कर सकते हैं तो उस पोटेंशियल की तरफ आप ज़्यादा फोकस करें। जी राजिया तारिक, हेलो जी जी बोलें। जी सर, आपने जो असाइनमेंट दी है 3 मार्केट्स की, तो इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली कौन कौन सी चीजों को देखना है? कोई एक प्रोडक्ट आप ओपन करके देखें, दो तीन प्रोडक्ट्स आप वहां पे देखें, टैब्स आप देखें कि वहां पे किस तरह से मिल रहे हैं। .de में आपको लैंग्वेज, डच लैंग्वेज मिल रही होगी, आप पेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप जस्ट इन मार्केट्स को विजिट करें, कोई एक प्रोडक्ट आप देख लें, योगा मैट, योगा बॉल, योगा ब्रेक, कुछ भी आप टाइप करके देखें,
और देखें कि वहां पे किस तरह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। जस्ट एक बायर डैशबोर्ड आप समझने की कोशिश करें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। फरहा सबूर सर, ये जो मार्केट प्लेसेस आपने बीच में मेंशन की थी, ये जरा दोबारा इसको बता दें। एक तो amazon.com थी, एक amazon.de थी, एंड थर्ड वन कौन सी थी? amazon.co.uk .uk। ओके सर, सो इसको दोबारा रिपीट कर दें तीनों को। amazon.com is for US, amazon.com is for US, amazon.de is for Germany, amazon.co.uk is for United Kingdom. Okay sir, thank you so much. The class, anyone else, kisi aur ki koi query, koi question? जी फरहा सबूर। सर सैटरडे एंड संडे ऑन है या ऑफ होगा? जी सैटरडे इज ऑन, संडे ऑफ है आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी हसनैन शहजाद। क्लास कल से तमाम स्टूडेंट्स 9:15 पे आपकी क्लास में ऑफ करूंगा, ठीक है? उसके बाद कोई स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप लोग देख लें कि आपने क्लास इन टाइम आपने ज्वाइन करनी है, ठीक है? 9 इज द लास्ट टाइम, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट क्लास में एंटर होने के लिए अलाउ नहीं होगा। अच्छा, ये देख लें जी कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑफिस आपको सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है? ये टिपिकली कहाँ से काम कर रहे होते हैं, होम ऑफिस से या फिर जो अपने वर्क प्लेसेज उन्होंने डिजाइन किए होते हैं, बट कैन एक्सेस द प्लानिंग नेसेसरी प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज शेयर्ड कैलेंडर्स रिमोटली, ठीक है? या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके जो शेयर्ड होते हैं उन पे आप उनको एक्सेस दे के उनसे रिमोटली करवा रहे होते हैं। अ वर्चुअल असिस्टेंट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हु स्पेशलाइजेज इन ऑफरिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, यूजली अ होम ऑफिस, ठीक है? जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइजेज होते हैं ऑफरिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स फॉर अ रिमोट लोकेशन, यूजली अ होम ऑफिस, ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ VAs होते हैं स्पेसिफिकली इस चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जी वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकें, ब्लॉगिंग कर सकें, राइटिंग कर सकें, बुक कीपिंग कर सकें, मीडिया पे उनकी कोई कैंपेन्स ला सकें, या इवन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके VAs होते हैं जो उनके बिहाफ पे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स रन कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप अगर मार्केटिंग सर्विसेज देखें, डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी सर्विसेज भी VAs आपको मार्केट में ऑफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है कि किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, रीज़न क्या होती है कि वर्चुअल असिस्टेंट हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट एज स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स रिलाई ऑन virtual offices to keep costs down and businesses of all size increase their use of internet for daily operations. With time, जिस तरह से internet operations और ये तमाम businesses eventually internet पे आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको VAs acquire होने start हो जाते हैं, ठीक है? और VA जो हैं small businesses में काफ़ी helpful होते हैं, reason being कि उनकी जो expense है वो काफ़ी cut down हो जाता है small startups का, क्योंकि VA जो है वो virtually operate कर रहे हैं, आपको कोई उसके लिए वर्क स्पेस या कोई environment नहीं क्रिएट करना, कोई ऑफिस नहीं बनाना आपने उसके लिए, कोई आपने उसको कन्वेंस अलाउंस नहीं देना, आपने कोई उसको अलहदा से मेडिकल अलाउंस या फिर कोई और इस तरह की सर्विसेज, कोई पिक ड्रॉप सर्विसेज, आप इस तरह की उसको कुछ नहीं ऑफर कर रहे हैं, आपने सिंपली उसको टास्क के अगेंस्ट पे करना है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल असिस्टेंट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अ बिजनेस डजंट हैव टू प्रोवाइड द सेम बेनिफिट्स और पे द सेम टैक्सेस दैट इट वुड बी फॉर अ फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है? ये चीज
उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वेल देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट. जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड होना मस्ट नहीं है. लेकिन ये जो एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है. लेकिन स्टिल इट इज़ द स्किल दैट मैटर्स मोस्ट. अगर आपके पास सर्टिफिकेशन रखी है बट यू डोंट नो हाउ टू रिसर्च अ प्रोडक्ट, हाउ टू डू प्रोडक्ट रैंकिंग, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो उसका फिर भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं उनको काम रिक्वायर्ड होता है और वो मोस्टली जिस कर रहे होते हैं वो ये कि आप उनको प्रैक्टिकली काम करके दे सकते हो. ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट शुड बी टेक सेवी, हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स. आपको कंप्यूटर स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हो कि जी गूगल शीट्स किस तरह से शेयर करनी है, रिपोर्ट शेयर करनी है, गूगल डॉक्स किस तरह से बनाते हैं, अगर आपने गूगल फॉर्म्स के थ्रू कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपने कोई एनालिसिस करना है या किसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ करना है, आपको ये पता हो कि इन जो बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स हैं वो आपको एटलीस्ट आती हों. ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास जो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत पता हो. अ वर्चुअल असिस्टेंट हु स्पेशलाइजेस इन बुककीपिंग शुड बी एडेप्ट एट बेसिक अकाउंटिंग टास्क. अगर कोई आप किसी को बुककीपिंग करके दे रहे हैं तो आपको बेसिक अकाउंटिंग टास्क पता होंगे जी किस तरह से आपका प्रॉफिट है या फिर जो आपके डेफिसिट है या कोई भी चीज़ आ रही है वो किस तरह से होती है. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें अमेजोन के बारे में तो ये एक जनरल ओवरव्यू था, किसी मार्केट प्लेस स्पेसिफिकली अमेजोन से रिलेटेड नहीं था. कोई भी वीए का ये मतलब नहीं है कि वो अमेजोन वीए है, ये ओवरऑल वीए की सर्विसेज में चीज़ें आ जाती हैं. अगर हम स्पेसिफिकली अमेजोन वीए की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपको डे टू डे ऑपरेशन देखने हैं, आपको हैंडलिंग अकाउंट्स, हैंडलिंग क्लाइंट्स, हैंडलिंग रिटर्न्स, रिफंड्स, प्रोसेसिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई इसके अलावा भी सर्विसेज आ जाती हैं तो वो आपको बीइंग अमेज़न वीए इस चीज़ में देखनी पड़ेंगी. ठीक है, आप इस पे बेसिकली करते क्या है कि यू कैन सेल योर सेल्फ एंड योर ऑर्स टू योर क्लाइंट्स. आप इस पे अपने ऑर्स को अपने क्लाइंट्स पे सेल कर रहे होते हैं. दिस बिजनेस मॉडल वी हैव सेट अ गोल के जी आप $250 पर मंथ फॉर 3-4 ऑर्स डेली एज अ क्लाइंट किसी को एज अ वीए आप काम करके देंगे, या फिर $400 पर मंथ एज अ वीए प्लस प्रॉक्सी मार्केटर. और अगर आपके पास लॉन्चिंग एक्सपीरियंस है तो आप फिर एटलीस्ट $500 पर मंथ पे काम करेंगे. तो इवेंचुअली आप 2-4 क्लाइंट्स अगर ग्रैब कर लेते तो आप $1,000 तक पहुंच जाते हैं इस चीज में. ठीक है, और इस चीज में जो बेस्ट सेलिंग पार्ट, जो बेस्ट पार्ट है इस चीज में वो ये कि आपको इक्विटी शेयरिंग मिल जाती है नंबर ऑफ द क्लाइंट्स से. ठीक है, आप उनको फिर परसेंटेज में ग्रोथ लेके लाते हैं और वहां से फिर आप अपना भी एक अच्छी गुडविल एसेट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर आप इवेंचुअली अपनी सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, वीए से आप सेलर बन सकते हैं. ठीक है, और करंटली जो वीएज हैं, मेक श्योर दिस थिंग कि आपको करंटली देर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, देर इज नो नीड ऑफ सेलर अकाउंट. ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखनी है और अपनी स्किल को सेल करना है मार्केट में. ठीक है जी, क्लियर है आपको? जी राजी या तारिक? यस सर. सर आपने ना प्रॉक्सी मार्केटिंग की बात की है तो मुझे तो कुछ समझ आया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक दफा अगर आप रिपीट कर देना तो क्लियर हो जाएगा. प्रॉक्सी मार्केटिंग जी, प्रॉक्सी मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है. ठीक है, उसको हम इन डेप्थ देखेंगे और स्टार्ट में हम देखेंगे. रीजन बीइंग कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ॉन की प्रॉक्सी मार्केटिंग से क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी. और आफ्टर फ्यू डेज हम इस टॉपिक को स्टार्ट से लेके चलेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इवेंचुअली एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ एटलीस्ट आप अर्न कर सकते हैं फ्रॉम प्रॉक्सी मार्केटिंग, अगर आप एक कमिटेड वे में काम करें तो. ठीक है, तो आई विल शो यू द वेज कि आप किस तरह से प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और उस इनकम से आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं आपके इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, जो आप अपने टूल्स लेने हैं या जो चीज़ें आपके एंड पे एक्सपेंस पे आएंगी वो आप वहां से फुलफिल कर सकते हैं. जी सना अफसल. सर सर एक लास्ट सर, दरमियान में ना लाइट मेरी चली गई थी तो मुझे मीटिंग दोबारा से रिज्वाइन करनी पड़ी थी, तो इसके लिए भी मतलब आप नहीं एंटर होने देंगे? जी देखें, क्लास स्टार्टिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके लेक्चर टाइम है इट इज 9:30 to 10:30 अराउंड. ठीक है, तो इस पे तमाम स्टूडेंट्स प्लीज बहुत ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि इसके अलावा मोस्टली हमारी क्वेश्चन आंसर सेशंस या कोई भी टास्क हमारा चल रहा होगा, लेकिन जो टॉपिक का टाइम है आपका इट इज अराउंड 9:30 to 10:30 ऑनवर्ड्स. आप 11 तक भी इसको कंसिडर कर लें, 9:30 to 11. ठीक है, तो इसमें प्लीज कोशिश करें चली जाए तो दोबारा से रिज्वाइन जब हम करते हैं तो आप अलाउ करते हैं तो उसका तो कोई इशू नहीं है ना सर, हम दोबारा कर सकते हैं ना फॉरेन से रिज्वाइन?
देखें, स्टार्टिंग में प्लीज इस चीज को आप थोड़ा लेके चलें कि आप पंक्चुअलिटी दें टाइम पे, ठीक है? आप मतलब लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट 10 AM क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वी एक्सपेक्ट्स के जी जो टॉपिक हमने पहले तमाम कवर किया, हम A to Z अब दोबारा से वो तमाम चीज़ें कवर करें, तो वो चीज़ फिर मुश्किल हो जाती है। जो क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, और मतलब दे कंसिडर इट एज के जी ये वही चीज़ चल रही है, बार बार वही हो रहा है, तो मतलब लेट्स लीव द क्लास एंड लेट्स डू समथिंग एल्स, ठीक है? तो जितना आप फोकस रहेंगे कि जी आपने इतनी पंक्चुअलिटी के साथ एटलीस्ट इस टाइम पे आप मतलब क्लास लाजमी ज्वाइन कर लेंगे 9:15 onwards, 9:15 आपकी क्लास लाजमी ज्वाइन हो, ठीक है? 9:15 onwards अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो अंटिल जब तक हमारा वो टॉपिक कवर नहीं होगा तब तक तमाम स्टूडेंट्स वेटिंग पे होंगे, ठीक है? बेशक आप अपने एंड पे कोई अल्टरनेटिव कोई रिसोर्स देखें कि आपके पास नेट का कोई इशू ना बने, ठीक है? इन केस अगर कोई इशू बन जाता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग के फ्यू डेज आप एटलीस्ट अपनी पंक्चुअलिटी दिखाएं ताकि पता चले कि आपको क्या पैशन है इस चीज़ से लर्निंग का, ठीक है? इस तरह से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होती है कि मतलब वही चीज़ हम तीन तीन पांच पांच बार अगर रिपीट। पे जाएंगे इंशाल्लाह, प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लीज तमाम स्टूडेंट्स जी डोंट माइंड माय दिस थिंग के आप थोड़ा रेलिवेंट रहें, ठीक है? आई अंडरस्टैंड के एक्साइटमेंट होती है चीजें सीखने की, लेकिन स्टे रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर हम VA की बात कर रहे हैं, अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो स्टे रेलिवेंट टू द टॉपिक, ठीक है? मैं एंटरटेन कर दूंगा क्वेश्चंस, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे बहुत सी चीजें। वी डू हैव इनफ टाइम, डेली 4 आवर्स की क्लास है हमारी, ठीक है? तो बहुत सी चीजें विद टाइम ओपन होंगी, ठीक है? तो पेशेंटली आप थोड़ा क्लास को लेके चलें। मतलब अगर हम अभी डिस्कस करेंगे जी हम प्लग्स इन किस तरह ऐड करें, अभी हम डिस्कस करेंगे हम प्रॉक्सी मार्केटिंग अभी से किस तरह स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम क्लाइंट को पकड़ना शुरू करते हैं, तो 3 months है, इट इज अ कंफर्मिंग प्रोसेस, ठीक है? तो उस प्रोसेस को आपने, ठीक है, उस चीज को आपने उस तरह से कवर करना है। तो ट्राई टू बी रेलिवेंट विद द टॉपिक। अगर आप टॉपिक से रेलिवेंट रहेंगे तो क्लास भी आपकी इंटरेस्टिंग होगी और लर्निंग भी आपकी एक बेहतर वे में चलेगी। अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और हम क्वेश्चंस पूछें रशिया से रिलेटेड, तो वो रेलिवेंसी नहीं रहती टॉपिक की आपकी, ठीक है? तो स्टे रेलिवेंट टू द टॉपिक। आप VA से रिलेटेड पूछें, जो चीज आपने पढ़ी है या जो क्लास में डिस्कस हुई है रिलेटेड टॉपिक, उस चीज को आप जो है अपना फोकस रखें, ठीक है? तमाम चीजें ऑब्वियसली जो A to Z लर्निंग है आपकी तमाम चीजें कवर होंगी, लेकिन स्टे फोकस टू द टॉपिक। जी फरहा सबूर। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज अ VA ऑन अमेजोन, तो डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट्स, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपने पास रखनी होती है, या विदाउट इन्वेस्टमेंट हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से फ्रॉम स्क्रैचेस? पहले आप इसका आंसर कर दें, देन उसके जी बाद में सेकेंड क्वेश्चन पूछती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो नीड ऑफ अमेजोन अकाउंट फॉर द VA। मतलब आपने अपनी सेलिंग नहीं करनी, आपने एक्सेस लेनी है क्लाइंट के अकाउंट की, ठीक है? तो फॉर दिस पर्पज देर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि जी आई एम दस मतलब आई एम नॉट एम्प्लॉयड, और मतलब मेरे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं 8-10 हज़ार डॉलर से अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो मतलब देयर इज नो नीड फॉर दैट। आप VA की लर्निंग कर रहे हैं, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है और वहां से आपने अपनी इनकम जनरेट करनी है, तो किसी को भी जी कोई अपने एंड पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत से लोग ये बात करेंगे कि जी हमारे पास तो सेलर अकाउंट्स नहीं है, हम क्या करें? तो भाई आपको सेलर अकाउंट्स भी नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि आप तो अपना बिजनेस कर नहीं रहे, आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, ठीक है? आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने वो टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग करनी है अपने स्किल सेलिंग करनी है, आपने जो स्किल आप सीखेंगे उसको आप मार्केट में सेल करेंगे।
सर सेकंड क्वेश्चन इज, कल भी एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया था, मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एज सच कोई ऐसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बट जब हम अपना इंटरनेशनल क्लाइंट डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ता है इंग्लिश राइटिंग में भी, इंग्लिश स्पोकन में भी एंड कम्युनिकेशन स्किल में भी. तो अगर एक स्टूडेंट के पास ये चीजें नहीं है तो हाउ ही और शी कैन डील विद द क्लाइंट, क्योंकि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट डील करने हैं. तो अगर उसको स्पोकन एंड रिटन में एक्सपर्टीज नहीं है तो वो किस तरह से अपने क्लाइंट को डील करेगा? ये चीजें मैटर करती हैं बेसिकली, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं कहूँ जो चीज मैटर करती है स्टिल, वो ये मैटर करती है कि आपके एथिक्स क्या हैं वर्किंग के. ठीक है, अब वर्किंग एथिक्स में मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूंगा कि जी अगर मेरे साथ अगर कोई बंदा काम कर रहा है अगर उसके पास इंग्लिश स्किल्स नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट दिस कि उसके पास इंग्लिश स्किल्स नहीं है. ठीक है, मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो स्किल मैं उससे डिमांड कर रहा हूँ, जो चीज मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मुझे उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके दे रहा है. जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करके, तो क्या मुझे वो उन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करके ला के दे रहा है? जो मैं उससे डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे सोर्सिंग कर, वो मुझे वो करवा के दे सकता है? ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज एंटर कर डील कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश. मतलब आपको बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी मिलेंगे जिनको खुद इंग्लिश नहीं आती होगी. ठीक है, लेकिन स्टिल इसके पास, इसके भी हमारे पास वे आउट्स हैं काफी. आप गूगल ट्रांसलेटर देखें अपने पास, आप जो चीज आप अपने क्लाइंट को बोलना चाह रहे हैं आप उसको बोल के आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो तमाम चीजें पॉसिबल हैं. ठीक है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. इतना सिस्टम डिजिटलाइज्ड हो चुका है कि मतलब आपको, अब मैं फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, इटालियन के साथ डील करता हूँ, इवन चाइनीज के साथ डील करता हूँ, तो मोस्टली इसमें लैंग्वेज बैरियर तो आजकल आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज बैरियर तो है नहीं कोई आपके पास अब. ठीक है, और आप बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, आपने कोई वॉइस नोट्स उनको भेजने नहीं है, वो भी आपको टेक्स्ट में मैसेज कर रहे हैं, या अगर इनकेस आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती भी है तो उसमें नॉर्मली आप सब कितनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको वर्किंग से रिलेटेड बता सकते हैं, अकाउंट स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं जी दिस इज द स्ट्रेटेजी, दिस इज द टाइम. इतनी बेसिक इंग्लिश तो हर कोई जानता है. ठीक है, एटलीस्ट मैट्रिक तो सबने किया भैया ना, एटलीस्ट इतना तो हर कोई कर सकता है. तो खैर वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, जो चीज मैटर करती है वो आपकी बिजनेस एथिक्स हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से लेके चल रहे हैं. अब आपकी इंग्लिश स्किल इतनी अच्छी है, स्पोकन इतनी अच्छी है, बट आप उसको काम जीरो करके दे रहे हैं, तो वो क्लाइंट तो कहेगा कि जी दिस इज नॉट अ स्किलफुल पर्सन. ये दैट मींस वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्किल, स्किल पे फोकस करना है. दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपको स्किल पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप नहीं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें वीए के कोर्स में Amazon के वीए के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये अमेज़न तो पाकिस्तान में अभी नहीं है हम इसके, लेकिन वीए के लिए हम कोई भी क्लाइंट पकड़ सकते हैं, क्या हम दराज पे हमें वीए का टच दिया जाएगा? ठीक है, जब आप मास्टर्स की डिग्री करते हैं ना तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके मैट्रिक इतने काम हो जाते हैं. ठीक है, जब आप चीज सीख रहे हैं आप इंटरनेशनल लेवल की, तो दराज उसके सामने कोई मार्केट प्लेस कंसीडर नहीं की जाती. ठीक है, बहुत छोटी मार्केट है हमारी. मतलब आप लर्निंग कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बिग जो आपकी बाकी स्मॉल मार्केट प्लेसेस हैं, लाजादा है, शॉपी है, जो आपकी मलेशिया की मार्केट प्लेसेस हैं, इसी तरह से आपके पास यूएई की मार्केट प्लेसेस हैं, तो आप इवेंचुअली तमाम पे जा सकते हैं, लेकिन स्टिल जो अर्निंग पोटेंशियल आपका अमेज़न पे है वो किसी और पे नहीं है. जी जी शुक्रिया. जी वेलकम. Class, anyone else is sure की कोई query, कोई question? Clear है तमाम students को?
नहीं है जी मजीद कोई क्वेश्चन किसी का? हाइपर हाइपर लॉन्च जी, लॉन्चिंग से रिलेटेड है बेसिकली। जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो देर आर मैनी स्ट्रेटजीज, ठीक है। हाइपर लॉन्च एक वो स्ट्रेटजी है जो आप रैंकिंग में स्टडी करेंगे कि जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस लॉन्चिंग में आप प्रोडक्ट को ओवरनाइट आप किस तरह से मार्केट में रैंक कर लेते हैं, कितनी किस तरह से आप एनी फोर लिखा हुआ इन्होंने जी। प्लीज तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक का थोड़ा ख्याल किया है कि नहीं। होगी दोबारा डीपली तो मेरे तक कुछ क्वेश्चन हैं। तो 10-15 मिनट्स जो लास्ट हमारा लास्ट डे का सेशन होता है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लिया करें तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं माइंड में। जी बिल्कुल, देखो कोई भी क्वेश्चन है आप ऑब्वियसली अगर जो कल का हमने स्टडी किया या आज हम स्टडी कर रहे हैं इसी तरह से जो हमारी प्रीवियस टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप लाजमी उनको साथ साथ क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि आप जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स कुछ ना कुछ चीजें लाजमी फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो चीज ऑब्वियसली राइट कि आप उसको पहले क्लियर करें, ठीक है। तो इट इज नॉट एन इशू, आप बेशक अपनी क्यूरीज जो है प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड लाजमी पूछ सकते हैं। तो सर हम वो स्टार्ट में अगर 10-15 मिनट्स इसके लिए कर लें कि 10-15 मिनट्स में अगर हमारे की क्वेश्चंस हैं तो हम उसको कर लें ताकि क्लियर हो जाए। आप उसे नोट डाउन रखें क्योंकि क्लास को अगर हम स्टार्टिंग में ही अगर इस तरह से रख लेते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर सेशंस रख रहे हैं तो ऑब्वियसली एवरीवन विल थिंक कि जी अभी तो क्वेश्चन आंसर सेशंस है, अभी हम क्लास नहीं ज्वाइन करते, उठते ही 9:30 बजे उसके बाद हम क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इशू आता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक आप जो क्यू एंड ए आपका स्टार्ट होता है तो उसमें आप अपने लाजमी जो टॉपिक के क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हैं, इवन जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है उन्हें भी आप जो है वो पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। राजिया तारिक जी, सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया, आप बात कर रहे थे ना किसी की बात का जवाब दे रहे थे तो सर ये जो रैंकिंग वाली स्किल्स हैं कि हम 5 पेज से लेके 1st पेज पे रैंक करवा सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है आप इसी की सर्विसेज देते हैं तो सर ये वाली सर्विसेज भी आप हमें सिखाएंगे या ये वाली नहीं होगी इसके लिए? ऑब्वियसली रैंकिंग सर्विसेज आपकी मैटर करती हैं या आपको तमाम स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, उसके अलावा फिर डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरह से आप मतलब अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट अपनी सेल्स ज्यादा ले सकते हैं, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह हमारी विद टाइम कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह साथ साथ। ठीक है सर, मैं एक लास्ट कहना चाहूंगी। जी जी बोलना प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है अब, मतलब बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं और मतलब मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ना काफी एक्साइटेड हूँ कि हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि सेकंड क्लास है हमारी प्रेजेंटेशन के बाद। जी 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 वेलकम वेलकम। ठीक है क्लास, टुडे इज फ्राइडे, हम ब्रेक नहीं लिया आज हमने तो अपना सेशन आज यहाँ पे रैप अप करते हैं।
आपके पास जो भी ये मैं दो स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में आज, तो जी हो आप गया। जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हो आप पास नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्यू एन ए आए तो आप अपने प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चंस भी आप पूछ के एंटरटेन हो जाएंगे आपके। ठीक है क्लास, टेक केयर एवरीवन, हैव अ हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू सो मच, याद रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। Thank you.